हेलो अनुभव, तो कैसा हैं सभी? तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है आर राजकुमार यानी रैम्बो राजकुमार। यह मूवी 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक प्रभुदेवा हैं, लेखक चिराग अहमद हैं, वहीं संपादक बालू सलूजा हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.2/10 है। वहीं 73% गूगल यूजर द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। आर राजकुमार 2013 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है, जिसे प्रभु देवा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। विक्की रंजनी और सुनील लुल्ला द्वारा निर्मित फिल्म में शादी कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद हैं। इस रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है। यह एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वह ड्रग बैरनर की भतीजी चंदा के लिए गिर जाता है। वह प्रतिद्वंदी ड्रग बैरना शिवराज के लिए काम करना शुरू करता है और अंत में उसे पता चलता है कि शिवराज उसकी इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करना चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसमें राजकुमार से चंदा को प्यार हो जाता है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रभुदेवा हैं, राइटर प्रभुदेवा हैं, स्क्रीन प्ले सुनील कुमार और अग्रवाल द्वारा और रवि एस सुंदरम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के डायलॉग सिराज अहमद द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर विक्की रंजनी और सुनील लुल्ला द्वारा हैं। इस मूवी में साजिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद मेन कैरेक्टर के रूप में नजर आते हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी मोहन कृष्णा ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बल्लू सलूजा ने की है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं तथा स्कोर बोर्ड के लिए संदीप चोटा को नियुक्त किया गया था। वहीं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी नेट जैन फिल्म है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट इरोस इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 6 दिसंबर 2013 को रिलीज किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 34 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 2 करोड़ की कमाई करी। आर राजकुमार का नाट्य ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होने पर फिल्म के आलोचकों और दर्शकों ने मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता फिल्म बनी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग रोमियो राजकुमार को दिखाती हुई होती है, जो एक लक्षणहीन युवा लड़का है जो एक छोटे से शहर हरिपुर में आता है। उसका नाम चिराग गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माणिक परमार नाम का दो ड्रग डीलर हैं, जो अजीत ढाका नाम के माफिया डॉन द्वारा नियंत्रित हैं, जो हांगकांग में काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम शुरू करता है, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वह सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। इसके बाद उसे अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसके उसके चाचा मणि परमार द्वारा पाला जा रहा है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षण में पड़ जाती है। जैसे ही उनका प्यार परखने वाला होता है, शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए देखा और उसके गीले शरीर से लालसा करना लगता है। इस बीच वह परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज से करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज के आदमी को पिटाई करता है और उसे चुनौती देता है कि वह शिवराज के सामने चंदा से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन असफल होता रहता है। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाती है और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देती है। वह कहती है कि वह अपने कपड़े खुद उतारेगी अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से में शिवराज राजकुमार के फालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहा है, लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होता है जब उसे यह पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में ड्रोन अजीत ठाका के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग कंट्रोलर को संभालने के लिए धर्मपुरा भेजा गया था, जिसके लिए शिवराज और परमार दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और ढाका तक ले जाता है। शिवराज का चोरी का ट्रक ढाका को देने के बाद पता चलता है कि ट्रक खाली है।
घटनाओं के एक मोड़ में यह पता चलता है कि शिवराज और डाका ने हाथ मिला लिया और जानबूझकर खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों को भी उसके साथ दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करता है। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा पारित किया जाता है। इसे शिवराज के कुंडे कमर अड़ी द्वारा दफनाए जाने पर बाद में बचा दिया जाता है। शिवराज के आदमी पीछे हट गए क्योंकि वह अब राजकुमार के दोस्त हैं, इसलिए दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पछाड़ देता है। अंत में राजकुमार शिवराज के गले में पावर पंच से मारता है और बाद में डॉन ढाका को सेमिक स्टाइल में मार देता है। मारने के बाद वह चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शेष सहयोगियों की पिटाई के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि ये गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ में हाथ डाले चले जाते हैं और यहीं इस मूवी का टी एंड हो जाता है। इस मूवी के कास्टिंग की बात करें तो शाहिद कपूर ने रेमी और राजकुमार का, साक्षी सिन्हा ने चंदा का, सोनू सूद ने शिवराज जूचर का, आशीष विदराता ने मनी परमार का, अशरानी ने पंडित का, गुरुदेव ने कमर अली का, श्री हरि ने अजीत ढाका का, पूनम जवाहर ने बिंदु का, अशोक समर्थ ने इंस्पेक्टर का, जी वी सुंदरकर नायडू ने, विजय पाटकर ने चतुर सिंह का, चरम कुमार ने स्पेशल ऑफरेंस इन गंदी बात, प्रभुदेवान ने स्पेशल अपेरेंस इन सॉन्ग गंदी बात, रंजनी वाला तिवारी ने स्पेशल अपेरेंस इन केड़ी कटेगी सॉन्ग और स्कारलेट मिलेस विल्सन ने स्पेशल अपेरेंस सॉन्ग कटेली कोट में अपना मुख्य योगदान दिया है। प्रोडक्शन की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म में कुछ एक्शन दृश्यों को प्रदर्शन किया है। चार्मी कौर ने जून 2013 में फिल्म के लिए एक आइटम गीत गंदी बात की शूटिंग की। कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी देवी ने आइटम सॉन्ग परदू कटेगा में बॉलीवुड के प्रवेश किया। इस फिल्म में केवल बॉलीवुड फिल्म ही शामिल थी जिसमें स्कारलेट मैडिसन विल्सन और इस समय केवल उनकी बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। फिल्म का नाम पहले रैम्बो राजकुमार था जो दक्षिण भारत की एक अनुभव स्टंट निदेशक का भी नाम है। रिपोर्टरों ने के अनुसार मूल रैम्बो श्रृंखला के निर्माताओं ने रैम्बो शब्द की कॉपीराइट कर दिया था जिससे यह अन्य फिल्म निर्माताओं द्वारा उपयोग के लिए अनुबद्ध हो गई। नतीजात्मक निर्माताओं ने फिल्म के लिए एक शीर्षक परिवर्तन का फैसला किया। हालांकि चूंकि दर्शकों के बीच फिल्म का शीर्षक पहले ही जा चुका था, निर्माताओं ने शीर्षक में कुछ अक्षरों को हटाने का फैसला किया जिससे नाम में बदलकर आर राजकुमार कर दिया गया। फिल्म के शीर्षक परिवर्तन के बाद फिल्म में शाहिद कपूर का चरित्र जो शुरू में रैम्बो राजकुमार का था को बदल दिया गया था। अपने फिल्मांकन के दौरान कपूर एक स्टंट सीक्वेंस के दौरान गंभीर रूप से जलने से बच गए। गाने में सीक्वेंस को कश्यप के ग्रेट रन में शूट किया गया। फिल्म की रिलीज और बाद की सफलता के बाद मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की अकादमी जो प्रसिद्ध अकादमी पुरस्कारों की देखरेख करती है के निर्माता विकी रंजनी को एक औपचारिक पत्र भेजकर ऑस्कर लाइब्रेरी में फिल्म की स्क्रिप्ट की एक प्रति रखने के लिए कहा गया। लगान योज रॉक ऑन और खुजाली के बाद अकादमी द्वारा इस सम्मान के लिए अनुरोध की जाने वाली यह पांचवी बॉलीवुड फिल्म है। अनुरोध के बारे में बात करते हुए विकी रंजनी ने कहा, यह एक सौभाग्य की बात है कि हमारी फिल्म की पटकथा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है और अकादमी पुस्तकालय में अभिलेखागार का हिस्सा बनाकर हमारे लिए सम्मान की बात है। फिल्म के दर्शकों ने पसंद किया और अच्छा प्रदर्शन भी दिया है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही। यह पूरी तरह टीम के लिए एक खुशी का क्षण था। निर्देशक प्रभु देवा का अनुरोध के बाद बात करते हुए कहा कि इस फिल्म को बनाना एक मजेदार अनुभव रहा है और यह सम्मान सबसे ऊपर है। मैं और क्या मांग सकता हूँ इस फिल्म से। फिल्म का साउंडट्रैक रीतम द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म गंदी बात का पहला गाना 16 अक्टूबर को रिलीज हुआ था
जिसे मिक्खा सिंह और कल्पना पटवारी ने गाया था। जारी किया गया दूसरा गीत साड़ी के फॉल सा था, जिसे अंतरा मित्रा और आकाश यानी नकाश अजीज ने गाया था। अनुपम आमोद और मयूर पुरी के गीतों के साथ प्रीतम द्वारा रचित कैन ट्रैकों से युक्त संपूर्ण एल्बम 6 नवंबर 2013 को भौतिक रूप से जारी किया गया था। संगीत के तुषार जोशी ने 5 में से 3 स्टार दिए हैं फिल्म के लिए और कहा, अगर आप एक जोरदार बिना दिमाग के मूड में हैं तो इसे देखें, जो शीर्षक मनोरंजन का फॉर्मूला पर निर्भर करता है। इंडियन एक्सप्रेस ने आर फॉर रविश कहते हुए फिल्म के आलोचनों और राजीव मसंत के फिल्म की आलोचना की, यह निरंतर बदसूरत और आश्चर्य होगा कि यह किसी प्रकार के मनोरंजन के रूप में कैसे योग्य है। प्रभु देवा की ओर से आर राजकुमार के लिए 5 में से आधे रेटिंग दी, आधा सितारे शक्ति से हैं। प्रीतम के संगीत के लिए हिंदुस्तान टाइम्स ने अनुपमा चोपड़ा ने इसे हंसमुख उत्तम रूप से प्रतिगामी कहा और यह भी दावा किया कि कहानी आबाद और थकाऊ दोनों हैं, क्योंकि जब नायक प्यार और प्यार नहीं कर रहा होता है तो वह मार मार और पुरुषों से लिप्त रहता है। भौतिकी के घर में नियम को लता बताते हुए सभी दिशाओं में उठ रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदेश ने लिखा, आर राजकुमार काम नहीं करते हैं, यह प्रभु देवा की अब तक की सबसे कमजोर हिंदी फिल्म में से एक है। गाइस, आप शाहिद कपूर की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आप प्रभु देवा और सोनाक्षी सिन्हा की भी किस मूवी का एक्सप्रेशन आप हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है आर राजकुमार यानी रैम्बो राजकुमार। यह मूवी 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक प्रभुदेवा हैं, लेखक सिराज अहमद हैं, वहीं संपादक बालू सलूजा हैं। IMDb रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 है। 73% गूगल यूजर द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। आर राजकुमार 2013 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है, जिसे प्रभु देवा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। विक्की रंजनी और सुनील लुल्ला द्वारा निर्मित फिल्म में शादी कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद हैं। इस रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है। यह एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वह ड्रग बैरनर की भतीजी चंदा के लिए गिर जाता है। वह प्रतिद्वंदी ड्रग बैरनर शिवराज के लिए काम करना शुरू करता है और अंत में उसे पता चलता है कि शिवराज उसकी इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करना चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसमें राजकुमार से चंदा को प्यार हो जाता है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रभुदेवा हैं, राइटर प्रभुदेवा हैं, स्क्रीन प्ले सुनील कुमार और अग्रवाल द्वारा और रवि एस सुंदरम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के डायलॉग सिराज अहमद द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर विक्की रंजनी और सुनील लुल्ला द्वारा हैं। इस मूवी में साजिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद मेन कैरेक्टर के रूप में नजर आते हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी मोहन कृष्णा ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बल्लू सलूजा ने की है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं तथा स्कोरबोर्ड के लिए संदीप चोटा को नियुक्त किया गया था। वहीं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी नेट जेंस फिल्म हैं। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट हीरोस इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 6 दिसंबर 2013 को रिलीज किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 34 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 2 करोड़ की कमाई करी। आर राजकुमार का नाट्य ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होने पर फिल्म के आलोचकों और दर्शकों ने मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता फिल्म बनी। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।
मूवी की स्टार्टिंग रोमियो राजकुमार को दिखाते हुए होती है, जो एक लक्ष्यहीन युवा लड़का है जो एक छोटे से शहर दरिद्र में आता है, जिसका नाम सिराज गुज्जर और उसके कट्टा दुश्मन माणिक परमार नाम का दो ड्रग डीलर हैं, जो अजीत ढाका नाम के माफिया डॉन द्वारा नियंत्रित हैं, जो हांगकांग में काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम शुरू करना शुरू करता है, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वह सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। इसके बाद उसे अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसके उसके चाचा मणि परमार द्वारा पाला जा रहा है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षण में पड़ जाती है। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला होता है, शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए देखा और उसके गीले शरीर से लालसा करना लगता है। इस बीच वह परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज से करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज के आदमी को पिटाई करता है और उसे चुनौती देता है कि वह शिवराज के सामने चंदा से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन असफल होता रहता है। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाती है और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देती है। वह कहती है कि वह अपने कपड़े खुद उतारेगी अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से में शिवराज राजकुमार उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहा है, लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होता है जब उसे यह पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीत ढाका के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग कंट्रोलर को संभालने के लिए धर्मपुरा भेजा गया था, जिसके लिए शिवराज और परमार दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और ढाका तक ले जाता है। शिवराज का चोरी का ट्रक ढाका को देने के बाद पता चलता है कि ट्रक खाली है। घटनाओं के एक मोड़ में यह पता चलता है कि शिवराज और ढाका ने हाथ मिला लिया और जानबूझकर खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों को भी उसके साथ दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करता है, केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा पारित किया जाता है। शिवराज के गुंडे कमर अली द्वारा दफनाए जाने पर बाद में बचा दिया जाता है। शिवराज के आदमी पीछे हट गए क्योंकि वह अब राजकुमार के दोस्त हैं, इसलिए दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पछाड़ देता है। अंत में राजकुमार शिवराज के गले में पावर पंच से मारता है और बाद में डॉन ढाका को सिरेमिक स्टाइल में मार देता है। मारने के बाद वह चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के श्रेष्ठ सहयोगियों की पिटाई के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि ये गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ में हाथ डाले चले जाते हैं और यही इस मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की कास्टिंग की बात करें तो शाहिद कपूर ने रेमी राजकुमार का, साक्षी सिन्हा ने चंदा का, सोनू सूद ने शिवराज गुज्जर का, आशीष विदराता ने मणि परमार का, अशरानी ने पंडित का, कुलदेव ने कमर अली का, श्रीहरि ने अजीत ढाका का, पूनम जवाहर ने बिंदु का, अशोक समर्थ ने इंस्पेक्टर का, जी वी सुंदरकर नायडू ने, विजय पाटकर ने चतुर सिंह का, चरम कुमार ने स्पेशल ऑफेंस इन गंदीबाद, प्रभुदेवान ने स्पेशल ऑफेंस इन सॉन्ग गंदीबाद, रंजनी वाला तिवारी ने स्पेशल ऑफेंस इन लेडी पटेगी सॉन्ग और स्कारलेट मिलेस विल्सन ने स्पेशल अपरेंस सॉन्ग कटेली कॉर्ट ने अपना मुख्य योगदान दिया है। इस फिल्म की प्रोडक्शन की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म में कुछ एक्शन दृश्यों को प्रदर्शन किया है। चार्मी कौर ने जून 2013 में फिल्म के लिए एक आइटम गीत गंदी बात की शूटिंग की। कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी देवी ने आइटम सॉन्ग परदू कटेगा में बॉलीवुड के प्रवेश किया। इस फिल्म में केवल बॉलीवुड फिल्म ही शामिल थी जिसमें स्कारलेट मेलिसन विल्सन और इस समय केवल उनकी बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। फिल्म का नाम पहले रैम्बो राजकुमार था, जो दक्षिण भारत की एक अनुभव स्टंट निदेशक का भी नाम है। रिपोर्टरों ने के अनुसार मूल रैम्बो श्रृंखला के निर्माताओं ने रैम्बो शब्द की कॉपीराइट
कर दिया था, जिससे यह अन्य फिल्म निर्माताओं द्वारा उपयोग के लिए अनुबद्ध हो गई। नतीजात्मक निर्माताओं ने फिल्म के लिए एक शीर्षक परिवर्तन का फैसला किया। हालांकि क्योंकि दर्शकों के बीच फिल्म का शीर्षक पहले ही जा चुका था, निर्माताओं ने शीर्षक में कुछ अक्षरों को हटाने का फैसला किया, जिससे नाम में बदलकर आर राजकुमार कर दिया गया। फिल्म के शीर्षक परिवर्तन के बाद फिल्म में शाहिद कपूर का चरित्र, जो शुरू में रैम्बो राजकुमार का था, को बदल दिया गया था। अपने फिल्मांकन के दौरान कपूर एक स्टंट सीक्वेंस के दौरान गंभीर रूप से जलने से बच गए। गाने में सीक्वेंस को बच्चे के ग्रेट रन में शूट किया गया। फिल्म की रिलीज और बाद की सफलता के बाद मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस की अकादमी, जो प्रसिद्ध अकादमी पुरस्कारों की देखरेख करती है, के निर्माता विकी रंजनी को एक औपचारिक पत्र भेजकर ऑस्कर लाइब्रेरी में फिल्म की स्क्रिप्ट की एक प्रति रखने के लिए कहा गया। लगान, जोज, रॉक ऑन और गुजारिश के बाद अकादमी द्वारा इस सम्मान के लिए अनुरोध की जाने वाली यह पांचवी बॉलीवुड फिल्म है। अनुरोध के बारे में बात करते हुए विकी रंजनी ने कहा, यह एक सौभाग्य की बात है कि हमारी फिल्म की पटकथा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है और अकादमी पुस्तकालय में अभिलेखागार का हिस्सा बनाकर हमारे लिए सम्मान की बात है। फिल्म के दर्शकों ने पसंद किया और अच्छा प्रदर्शन भी दिया है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही। यह पूरी तरह टीम के लिए एक खुशी का क्षण था। निर्देशक प्रभु देवा का अनुरोध के बाद बात करते हुए कहा कि इस फिल्म को बनाना एक मजेदार अनुभव रहा है और यह सम्मान सबसे ऊपर है। मैं और क्या मांग सकता हूँ इस फिल्म से। फिल्म का साउंडट्रैक रीतम द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म बंदी बात का पहला गाना 16 अक्टूबर को रिलीज हुआ था, जिसे मिक्खा सिंह और कल्पना पटवारी ने गाया था। जारी किया गया दूसरा गीत साड़ी के पॉल सा था, जिसे अंतरा मित्रा और आकाश यानी नकाश अजीज ने गाया था। अनुपम आमोद और मयूर पुरी के गीतों के साथ प्रीतम द्वारा रचित 6 ट्रैकों से युक्त संपूर्ण एल्बम 6 नवंबर 2013 को भौतिक रूप से जारी किया गया था। संगीत रिकॉर्डिंग इंजीनियर सुकुमार दत्ता थे। इस मूवी में मिक्खा सिंह, कल्पना पटवारी, अंतरा मित्रा, नकेश अजीज, अरिजीत सिंह, पलक माचाला, कुणाल गंजवाला, सुजीना चौहान, रितु पाठक, डीजे एंजल जैसे सिंगरों ने अपनी आवाज़ देकर इस मूवी के कई गानों को सुपर हिट बनाया है। इस मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्स की बात करें तो इंडिया टाइम्स ने इसे 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें स्पॉइलर के कुछ अवश्य हैं, लेकिन असली चीज़ याद आती है, एक ठोस कहानी। डेली न्यूज एंड एनालिसिस के तुषार जोशी ने 5 out of 3 stars दिए हैं फिल्म के लिए और कहा, अगर आप एक जोरदार बिना दिमाग के मूड में हैं तो इसे देखें, जो शीर्षक मनोरंजन का फॉर्मूला पर निर्भर करता है। इंडियन एक्सप्रेस ने आर फॉर रविश कहते हुए फिल्म के आलोचनों और राजीव मसंत के फिल्म की आलोचना की, यह निरंतर बदसूरत और आश्चर्य होगा कि यह किसी प्रकार के मनोरंजन के रूप में कैसे योग्य है। प्रभु देवा की ओर से आर राजकुमार के लिए 5 out of 5 रेटिंग दी। आधा सितारे शक्ति से हैं। प्रीतम के संगीत के लिए हिंदुस्तान टाइम्स ने अनुप वर्मा चोपड़ा ने इसे हंसमुख उदाम रूप से प्रतिगामी कहा और यह भी दावा किया कि कहानी आबाद और थकाऊ दोनों हैं, क्योंकि जब नायक प्यार और प्यार नहीं कर रहा होता है तो वह मार मार और पुरुषों से लिप्त रहता है। भौतिकी के घर में नियम को लता बताते हुए सभी दिशाओं में उड़ रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा के शरण आदेश ने लिखा, हाँ राजकुमार काम नहीं करते हैं। यह प्रभु देवा की अब तक की सबसे कमजोर हिंदी फिल्म में से एक है। गाइस, आप शाहिद कपूर की किस मूवी का स्पेशल हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हाँ, प्रभु देवा और सोनाक्षी सिन्हा की भी किस मूवी का एक्सप्रेशन आप हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है आर राजकुमार यानी रैम्बो राजकुमार। यह मूवी 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक प्रभु देवा हैं, लेखक सिराज अहमद हैं, वहीं संपादक बालू सलूजा हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.2/10 है। 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। आर राजकुमार 2013 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है जिसे प्रभु देवा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। विक्की रंजनी और सुनील लुल्ला द्वारा निर्मित फिल्म में शादी कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद हैं। इस रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है। यह एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वह ड्रग बैरनर की भतीजी चंदा के लिए किया जाता है। वह प्रतिद्वंदी ड्रग बैरनर शिवराज के लिए काम करना शुरू करता है और अंत में उसे पता चलता है कि शिवराज उसकी इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करना चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं जिसमें राजकुमार से चंदा को प्यार हो जाता है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रभु देवा हैं, राइटर प्रभु देवा हैं, स्क्रीन प्ले सुनील कुमार और अग्रवाल द्वारा और रवि एस सुंदरम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के डायलॉग सिराज अहमद द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर विक्की रंजनी और सुनील लुल्ला द्वारा हैं। इस मूवी में साजिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद मेन कैरेक्टर के रूप में नजर आते हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी मोहन कृष्णा ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बल्लू सलूजा ने की है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं तथा स्कोर बोर्ड के लिए संदीप चोटा को नियुक्त किया गया था। वहीं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी नेट जैन फिल्म है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट हीरोस इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 6 दिसंबर 2013 को रिलीज किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 34 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 2 करोड़ की कमाई करी। आर राजकुमार का नाट्य ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होने पर फिल्म के आलोचकों और दर्शकों ने मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता फिल्म बनी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग रोमियो राजकुमार को दिखाते हुए होती है जो एक लक्ष्यहीन युवा लड़का है जो एक छोटे से शहर धरितपुर में आता है जिसका नाम सिराज गुज्जर और उसके कट्टर दुश्मन माणिक परमार नाम का दो ड्रग डीलर हैं जो अजीत ढाका नाम के माफिया डॉन द्वारा नियंत्रित हैं जो हांगकांग में काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम शुरू करना शुरू करता है लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वह सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। इसके बाद उसे अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसके उसके चाचा मणि परमार द्वारा पाला जा रहा है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षण में पड़ जाती है। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला होता है शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए देखा और उसके गीले शरीर से लालसा करना लगता है। इस बीच वह परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज से करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज के आदमियों को पिटाई करता है और उसे चुनौती देता है कि वह शिवराज के सामने चंदा से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफल होता रहता है। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाती है और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देती है। वह कहती है कि वह अपने कपड़े खुद उतारेगी अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से में शिवराज राजकुमार उसके फालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहा है लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होता है जब उसे यह पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीत ठाका के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग कंट्रोलर को संभालने के लिए धरतपुरा भेजा गया था जिसके लिए शिवराज और परमार दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग से भरे
शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और ढाका तक ले जाता है। शिवराज का चोरी का ट्रक ढाका को देने के बाद पता चलता है कि ट्रक खाली है। घटनाओं के एक मोड़ में यह पता चलता है कि शिवराज और ढाका ने हाथ मिला लिया और जानबूझकर खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों को भी उसके साथ दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करता है। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है, जिसे शिवराज के गुंडे कमर अली द्वारा दफनाए जाने पर बाद में बचा लिया जाता है। शिवराज के आदमी पीछे हट गए क्योंकि वह अब राजकुमार के दोस्त हैं, इसलिए दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पछाड़ देता है। अंत में राजकुमार शिवराज के गले में पावर पंच से मारता है और बाद में डॉन ढाका को सिरेमिक स्टाइल में मार देता है। मारने के बाद वह चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के स्टेज सहयोगियों की पिटाई के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि ये गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा उसी से हाथ में हाथ डाले चले जाते हैं और इस मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की कास्टिंग की बात करें तो शाहिद कपूर ने रैनी राजकुमार का, साक्षी सिन्हा ने चंदा का, सोनू सूद ने शिवराज गुर्जर का, आशीष विदराता ने मनी परमार का, अशरानी ने पंडित का, मुकुल देव ने कमर अली का, श्रीहरि ने अजीत ढाका का, पूनम जवाहर ने बिंदु का, अशोक समर्थ ने इंस्पेक्टर का, जी वी सुंदरकर नायडू ने विजय पाटकर ने चतुर सिंह का, चरम कुमार ने स्पेशल ऑफेंस इन गंदी बात, प्रभुदेवन ने स्पेशल ऑफेंस इन सॉन्ग गंदी बात, रंजनी वाला डिवाड़ी ने स्पेशल ऑफेंस इन टेढ़ी कटेगी सॉन्ग और स्कारलेट मिलेस विल्सन ने स्पेशल ऑफेंस सॉन्ग कटेली स्पॉट में अपना मुख्य योगदान दिया है। प्रोडक्शन की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म में कुछ एक्शन दर्शकों को प्रदर्शन किया है। चार्मी कौर ने जून 2013 में फिल्म के लिए एक आइटम गीत गंदी बात की शूटिंग की। कन्नड़ अभिनेत्री रांगनी देवी ने आइटम सॉन्ग पर्टू कटेगा में बॉलीवुड के प्रवेश किया। इस फिल्म में केवल बॉलीवुड किड्स ही शामिल थी, जिसमें स्कारलेट मैडिसन विल्सन और इस समय केवल उनकी बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। फिल्म का नाम पहले रैम्बो राजकुमार था, जो दक्षिण भारत की एक अनुभव स्टंट निदेशक का भी नाम है। रिपोर्टरों ने के अनुसार मूल रैम्बो श्रृंखला के निर्माताओं ने रैम्बो शब्द की कॉपीराइट कर दिया था, जिससे यह अन्य फिल्म निर्माताओं द्वारा उपयोग के लिए अनुबद्ध हो गई। नतीजात्मक निर्माताओं ने फिल्म के लिए एक शीर्षक परिवर्तन का फैसला किया। हालांकि चूंकि दर्शकों के बीच फिल्म का शीर्षक पहले ही जा चुका था, निर्माताओं ने शीर्षक में कुछ अक्षरों को हटाने का फैसला किया, जिससे नाम में बदलकर आर राजकुमार कर दिया गया। फिल्म के शीर्षक परिवर्तन के बाद फिल्म में शाहिद कपूर का चरित्र, जो शुरू में रैम्बो राजकुमार का था, वो बदल दिया गया था। अपने फिल्मांकन के दौरान कपूर एक स्टंट सीक्वेंस के दौरान गंभीर रूप से जलने से बच गए। गाने में सीक्वेंस को कंचित के ग्रेट रन में शूट किया गया। फिल्म की रिलीज और बाद की सफलता के बाद मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस की अकादमी, जो प्रसिद्ध अकादमी पुरस्कारों की देखरेख करती है, के निर्माता विकी रंजनी को एक औपचारिक पत्र भेजकर ऑस्कर लाइब्रेरी में फिल्म की स्क्रिप्ट की एक प्रति रखने के लिए कहा गया। लगान रियोज रॉक ऑन और गुजारिश के बाद अकादमी द्वारा इस सम्मान के लिए अनुरोध की जाने वाली यह पांचवी बॉलीवुड फिल्म है। अनुरोध के बारे में बात करते हुए विक्की रंजनी ने कहा, यह एक सौभाग्य की बात है कि हमारी फिल्म की पटकथा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है और अकादमी कार्य में अभिलेखागर का हिस्सा बनाकर हमारे लिए सम्मान की बात है। फिल्म के दर्शकों ने पसंद किया और अच्छा प्रदर्शन भी दिया है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही। यह पूरी तरह टीम के लिए एक खुशी का क्षण था। निर्देशक प्रभु देवा का अनुरोध के बाद बात करते हुए कहा कि इस फिल्म को बनाना एक मजेदार अनुभव रहा है और यह सम्मान सबसे ऊपर है।
मैं और क्या मांग सकता हूँ इस फिल्म से। फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म गंदी बात का पहला गाना 16 अक्टूबर को रिलीज हुआ था, जिसे मिक्खा सिंह और कल्पना पटवारी ने गाया था। जारी किया गया दूसरा गीत साड़ी के पॉल सा था, जिसे अंतरा मित्रा और आकाश यानी नकाश अजीज ने गाया था। अनुपम आमोद और मयूर पुरी के गीतों के साथ प्रीतम द्वारा रचित चैन ट्रैकों से युक्त संपूर्ण एल्बम 6 नवंबर 2013 को भौतिक रूप से जारी किया गया था। संगीत रिकॉर्डिंग इंजीनियर सुकुमार दत्ता थे। इस मूवी में मिक्खा सिंह, कल्पना पटवारी, आंद्रा मित्रा, नकेश अजीज, अरिजीत सिंह, पलक माचाला, कुणाल गंजवाला, सुसेना चौहान, ऋतु पाठक, डीजे एंजल जैसे सिंगरों ने अपनी आवाज़ देकर इस मूवी के कई गानों को सुपरहिट बनाया है। इस मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्स की बात करें तो इंडिया टाइम्स ने इसे 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें स्पॉयलर के कुछ अवश्य हैं लेकिन असली चीज़ याद आती है, एक ठोस कहानी। डेली न्यूज एंड एनालिसिस के तुषार जोशी ने 5 में से 3 स्टार दिए हैं फिल्म के लिए और कहा, अगर आप एक जोरदार बिना दिमाग के मूड में हैं तो इसे देखें, जो शीर्षक मनोरंजन का फॉर्मूला पर निर्भर करता है। इंडियन एक्सप्रेस ने आर फॉर रविश कहते हुए फिल्म के आलोचनों और राजीव मसंत के फिल्म की आलोचना की, यह निरंतर बदसूरत और आश्चर्य होगा कि यह किसी प्रकार के मनोरंजन के रूप में कैसे योग्य है। प्रभु देवा की ओर से आर राजकुमार के लिए 5 में से आधे रेटिंग थी। आधा सितारे शक्ति से हैं। प्रीतम के संगीत के लिए हिंदुस्तान टाइम्स ने अनुपमा चोपड़ा ने इसे हंसमुख उदाम रूप से प्रतिगामी कहा और यह भी दावा किया कि कहानी आबाद और थकाऊ दोनों हैं, क्योंकि जब नायक प्यार और प्यार नहीं कर रहा होता है तो वह मार मार और पुरुषों से लिप्त रहता है। भौतिकी के घर में नियम को नकाब बताते हुए सभी दिशाओं में उड़ रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदेश ने लिखा, आर राजकुमार काम नहीं करते हैं। यह प्रभु देवा की अब तक की सबसे कमजोर हिंदी फिल्म में से एक है। गाइस, आप शाहिद कपूर की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तथा प्रभु देवा और सोनाक्षी सिन्हा की भी किस मूवी का एक्सप्रेशन आप हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है आर राजकुमार यानी रैम्बो राजकुमार। यह मूवी 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक प्रभु देवा हैं, लेखक सिराज अहमद हैं, वहीं संपादक बालू सलूजा हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.2 out of 10 है। वहीं 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। आर राजकुमार 2013 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है, जिसे प्रभु देवा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। विक्की रंजनी और सुनील लल्ला द्वारा निर्मित फिल्म में राजेश कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद हैं। इस रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है। यह एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वह ड्रग बैरनर की भतीजी चंदा के लिए गिर जाता है। वह प्रतिद्वंदी ड्रग बैरनर शिवराज के लिए काम करना शुरू करता है और अंत में उसे पता चलता है कि शिवराज उसकी इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करना चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसमें राजकुमार से चंदा को प्यार हो जाता है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रभु देवा हैं, राइटर प्रभु देवा हैं, स्क्रीन प्ले सुनील कुमार और अग्रवाल द्वारा और रवि एस सुंदरम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के डायलॉग सिराज अहमद द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर विक्की रंजनी और सुनील लल्ला द्वारा हैं। इस मूवी में साजिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद मेन कैरेक्टर के रूप में नजर आते हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी मोहन कृष्णा ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बल्लू सलूजा ने की है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं तथा स्कोरबोर्ड के लिए संदीप चोटा को नियुक्त किया गया था।
वहीं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी नेट्स डांस फिल्म हैंड। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट हीरोस इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 6 दिसंबर 2013 को रिलीज किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 34 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 100 करोड़ की कमाई करी। आर राजकुमार का नाट्य ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को भी फिल्म रिलीज होने पर फिल्म के आलोचकों और दर्शकों ने मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता फिल्म बनी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग रोल में राजकुमार को दिखाते हुए होती है, जो एक लक्ष्यहीन युवा लड़का है जो एक छोटे से शहर धरितपुर में आता है, जिसका नाम सिराज गुज्जर और उसके कट्टर दुश्मन माणिक परमार नाम का दो ड्रग डीलर हैं, जो अजीत नागा नाम के माफिया डॉन द्वारा नियंत्रित हैं, जो हांगकांग में काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम शुरू करता है, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वह सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। इसके बाद उसे अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसके उसके चाचा मणि परमार द्वारा पाला जा रहा है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षण में पड़ जाती है। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला होता है, शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए देखा और उसके गीले शरीर से लालसा करना लगता है। इस बीच वह परम पर के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज से करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज के आदमी को पिटाई करता है और उसे चुनौती देता है कि वह शिवराज के सामने चंदा से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफल होता रहता है। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाती है और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देती है। वह कहती है कि वह अपने कपड़े खुद उतारेगी अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से में शिवराज राजकुमार के फालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहा है, लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होता है जब उसे यह पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीत ठाका के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग कंट्रोलर को संभालने के लिए धरतपुरा भेजा गया था, जिसके लिए शिवराज और परमार दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और ढाका तक ले जाता है। शिवराज का चोरी का ट्रक ढाका को देने के बाद पता चलता है कि ट्रक खाली है। घटनाओं के एक मोड़ में यह पता चलता है कि शिवराज और ढाका ने हाथ मिला लिया और जानबूझकर खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बैरिंग से मार डाला और उसके आदमियों को भी उसके साथ दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करता है, केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। इसे शिवराज के गुंडे कमर अली द्वारा दफनाए जाने पर बाद में बचा दिया जाता है। शिवराज के आदमी पीछे हट गए क्योंकि वह अब राजकुमार के दोस्त हैं, इसलिए दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पछाड़ देता है। अंत में राजकुमार शिवराज के गले में पावर पंच से मारता है और बाद में डॉन ढाका को सिरेमिक स्टाइल में मार देता है। मारने के बाद वह चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के श्रेष्ठ सहयोगियों की पिटाई के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि ये गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ में हाथ डाले चले जाते हैं और यहीं इस मूवी का टी एंड हो जाता है। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो साहिद कपूर ने रेमी राजकुमार का, साक्षी सिन्हा ने चंदा का, सोनू सूद ने शिवराज सुचर का, आशीष गजराता ने मणि परमार का, अशरानी ने पंडित का, कुलदेव ने कमर अली का, श्री हरि ने अजीत राखा का, पूनम जवाहर ने बिंदु का, अशोक नमक ने इंस्पेक्टर का, जी वी सुंदरकर नायडू ने, विजय पाठकर ने चतुर सिंह का, चरम कुमार ने स्पेशल ऑफरेंस इन गंदीवाद, प्रभुदेवा ने स्पेशल ऑफरेंस इन सॉन्ग गंदीवाद, रंजनी वाला तिवारी ने स्पेशल अपरेंस इन केड़ी कटेगी सॉन्ग
और स्कारलेट मिलर्स विल्सन ने स्पेशल अपीयरेंस सॉन्ग कटेली स्पॉट में अपना मुख्य योगदान दिया है। इस मूवी की प्रोडक्शन की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म में कुछ एक्शन दृश्यों को प्रदर्शित किया है। चांदनी कौर ने जून 2013 में फिल्म के लिए एक आइटम गीत चंदी पास की शूटिंग की। कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी देवी ने आइटम सॉन्ग और टू कटेगा में बॉलीवुड के प्रवेश किया। इस फिल्म में केवल बॉलीवुड फिल्म ही शामिल थी जिसमें स्कारलेट मैलिसन विल्सन और इस समय केवल उनकी बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। फिल्म का नाम पहले रैम्बो राजकुमार था जो दक्षिण भारत की एक अनुभव स्टंट निदेशक का भी नाम है। रिपोर्टरों ने के अनुसार मूल रैम्बो श्रृंखला के निर्माताओं ने रैम्बो शब्द की कॉपीराइट कर दिया था जिससे यह अन्य फिल्म निर्माताओं द्वारा उपयोग के लिए अनुबद्ध हो गई। नतीजात्मक निर्माताओं ने फिल्म के लिए एक शीर्षक परिवर्तन का फैसला किया। हालांकि चूंकि दर्शकों के बीच फिल्म का शीर्षक पहले ही जा चुका था, निर्माताओं ने शीर्षक में कुछ अक्षरों को हटाने का फैसला किया जिससे नाम में बदलकर आर राजकुमार कर दिया गया। फिल्म के शीर्षक परिवर्तन के बाद फिल्म में शाहिद कपूर का चरित्र जो शुरू में रैम्बो राजकुमार का था को बदल दिया गया था। अपने फिल्मांकन के दौरान कपूर एक स्टंट सीक्वेंस के दौरान गंभीर रूप से जलने से बच गए। गाने में सीक्वेंस को कच्चे के ग्रेड रन में शूट किया गया। फिल्म की रिलीज और बाद की सफलता के बाद मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस की अकादमी जो प्रसिद्ध अकादमी पुरस्कारों की देखरेख करती है, ये निर्माता विकी रंजनी को एक औपचारिक पत्र भेजकर ऑस्कर लाइब्रेरी में फिल्म की स्क्रिप्ट की एक प्रति रखने के लिए कहा गया। लगान, योज, रॉक ऑन और गुजारिश के बाद अकादमी द्वारा इस सम्मान के लिए अनुरोध की जाने वाली यह पांचवी बॉलीवुड फिल्म है। अनुरोध के बारे में बात करते हुए विकी रंजनी ने कहा, यह एक सौभाग्य की बात है कि हमारी फिल्म की प्रखता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है और अकादमी पुस्तकालय में अभिलेखागार का हिस्सा बनाकर हमारे लिए सम्मान की बात है। फिल्म के दर्शकों ने पसंद किया और अच्छा प्रदर्शन भी दिया है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही। यह पूरी तरह टीम के लिए एक खुशी का क्षण था। निर्देशक प्रभु देवा का अनुरोध के बाद बात करते हुए कहा कि इस फिल्म को बनाना एक मजेदार अनुभव रहा है और यह सम्मान सबसे ऊपर है। मैं और क्या मांग सकता हूँ इस फिल्म से। फिल्म का साउंडट्रैक रीतम द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म गंदी बात का पहला गाना 16 अक्टूबर को रिलीज हुआ था जिसे मिल्खा सिंह और कल्पना पटवारी ने गाया था। जारी किया गया दूसरा गीत साड़ी के पॉल सा था जिसे अंतरा मित्रा और आकाश यानी नकाश अजीज ने गाया था। अनुपम आमोद और मयूर पुरी के गीतों के साथ प्रीतम द्वारा रचित 6 ट्रैकों से युक्त संपूर्ण एल्बम 6 नवंबर 2013 को भौतिक रूप से जारी किया गया था। संगीत रिकॉर्डिंग इंजीनियर सुकुमार दत्ता थे। इस मूवी में मिल्खा सिंह, कल्पना पटवारी, अंतरा मित्रा, नकेश अजीज, अरिजीत सिंह, पलक माचाला, कुणाल गंजवाला, सुसेना चौहान, रितु पाठक, डीजे एंजल जैसे सिंगरों ने अपनी आवाज़ देकर इस मूवी के कई गानों को सुपरहिट बनाया है। मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्स की बात करें तो इंडिया टाइम्स ने इसे 3 out of 5 रेटिंग दी है जिसमें स्पॉइलर के कुछ अवश्य हैं लेकिन असली चीज़ याद आती है। एक ठोस कहानी डेली न्यूज एंड एनालिसिस के तुषार जोशी ने 5 out of 3 stars दिए हैं फिल्म के लिए और कहा, अगर आप एक जोरदार बिना दिमाग के मूड में हैं तो इसे देखें जो शीर्षक मनोरंजन का फॉर्मूला पर निर्भर करता है। इंडियन एक्सप्रेस ने आर फॉर रविश कहते हुए फिल्म के आलोचनों और राजीव मसंत के फिल्म की आलोचना की। यह निरंतर बदसूरत और आश्चर्य होगा कि यह किसी प्रकार के मनोरंजन के रूप में कैसे योग्य है। प्रभु देवा की ओर से आर राजकुमार के लिए 5 out of 5 रेटिंग थी। आधा सितारे शक्ति से हैं। प्रीतम के संगीत के लिए हिंदुस्तान टाइम्स ने अनुप शर्मा चोपड़ा ने इसे हंसमुख उदाम रूप से प्रतिगामी कहा और यह भी दावा किया कि कहानी आबाद और थकाऊ
दोनों हैं, क्योंकि जब नायक प्यार और प्यार नहीं कर रहा होता है तो वह मार मार और पुरुषों से लिप्त रहता है। भौतिकी के घर में नियम को लता बताते हुए सभी दिशाओं में उठ रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा के शरण आदेश ने लिखा, हाँ राजकुमार काम नहीं करते हैं। यह प्रभु देवा की अब तक की सबसे कमजोर हिंदी फिल्म में से एक है। गाइस, आप शाहिद कपूर की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हाँ, प्रभु देवा और सोनाक्षी सिन्हा की भी किस मूवी का एक्सप्रेशन आप हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड पावर। हेलो एंड वेलकम टू द आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी का नाम है आर राजकुमार यानी रैम्बो राजकुमार। यह मूवी 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक प्रभु देवा हैं, लेखक सिराज अहमद हैं, वहीं संपादक बालू सलूजा हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 है। 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। आर राजकुमार 2013 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है जिसे प्रभु देवा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। विक्की रंजनी और सुनील लुल्ला द्वारा निर्मित फिल्म में शादी कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद हैं। इस रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है। यह एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वह ड्रग बैरनर की भतीजी चंदा के लिए किया जाता है। वह प्रतिद्वंदी ड्रग बैरनर शिवराज के लिए काम करना शुरू करता है और अंत में उसे पता चलता है कि शिवराज उसकी इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करना चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं जिसमें राजकुमार से चंदा को प्यार हो जाता है। इसमें डायरेक्टर प्रभु देवा हैं, राइटर प्रभु देवा हैं, स्क्रीन प्ले सुनील कुमार और अग्रवाल द्वारा और रवि एस सुंदरम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के डायलॉग सिराज अहमद द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर विक्की रंजनी और सुनील लुल्ला द्वारा हैं। इस मूवी में साजिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद मेन कैरेक्टर के रूप में नजर आते हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी मोहन कृष्णा ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बल्लू सलूजा ने की है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम है तथा स्कोर बोर्ड के लिए संदीप चोटा को नियुक्त किया गया था। वहीं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी नेट डांस फिल्म है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट हीरोस इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 6 दिसंबर 2013 को रिलीज किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 34 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 100 करोड़ की कमाई करी। आर राजकुमार का नाट्य ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होने पर फिल्म के आलोचकों और दर्शकों ने मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता फिल्म बनी। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग रोमियो राजकुमार को दिखाते हुए होती है जो एक लक्ष्यहीन युवा लड़का है जो एक छोटे से शहर ललितपुर में आता है जिसका नाम सिराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माणिक परमार नाम का दो ड्रग डीलर हैं जो अजीत ढाका नाम के माफिया डॉन द्वारा नियंत्रित हैं जो हांगकांग में काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम शुरू करता है लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वह सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। इसके बाद उसे अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसके उसके चाचा मणिक परमार द्वारा पाला जा रहा है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षण में पड़ जाती है। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला होता है शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए देखा और उसके गिरे शरीर से लालसा करना लगता है। इस बीच वह परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज से करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज के आदमी को पिटाई करता है और उसे चुनौती देता है कि वह शिवराज के सामने चंदा से शादी करेगा।
युवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफल होता रहता है। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाती है और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देती है। वह कहती है कि वह अपने कपड़े खुद उतारेगी अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से में शिवराज राजकुमार उसके पालतू पुलिस अधिकारियों द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहा है लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होता है जब उसे यह पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीत ठाकुर के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग कंट्रोलर को संभालने के लिए धर्मपुरा भेजा गया था जिसके लिए शिवराज और परम कुमार दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और ढाका तक ले जाता है। शिवराज का चोरी का ट्रक ढाका को देने के बाद पता चलता है कि ट्रक खाली है। घटनाओं के एक मोड़ में यह पता चलता है कि शिवराज और ढाका ने हाथ मिला लिया और जानबूझकर खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बैरेमी से मार डाला और उसके आदमियों को भी उसके साथ दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करता है केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है जिसे शिवराज के गुंडे कमर अली द्वारा दफनाए जाने पर बाद में बचा दिया जाता है। शिवराज के आदमी पीछे हट गए क्योंकि वह अब राजकुमार के दोस्त हैं इसलिए दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पछाड़ देता है। अंत में राजकुमार शिवराज के गले में पावर पंच से मारता है और बाद में डॉन ढाका को सिरेमिक स्टाइल में मार देता है। मारने के बाद वह चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के श्रेष्ठ सहयोगियों की पिटाई के साथ समाप्त हो जाती है जबकि ये गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ में हाथ डाले चले जाते हैं और यही इस मूवी का डी एंड हो जाता है। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो शाहिद कपूर ने रेमी राजकुमार का, साक्षी सिन्हा ने चंदा का, सोनू सूद ने शिवराज गुज्जर का, आशीष विदराता ने मनी परमार का, अशरानी ने पंडित का, मुकुल देव ने कमर अली का, श्री हरि ने अजीत ढाका का, पूनम जवाहर ने बिंदु का, अशोक समर्थ ने इंस्पेक्टर का, जी वी सुंदरकर नायडू ने, विजय पाठकर ने चतुर सिंह का, चरम कुमार ने स्पेशल ऑफरेंस इन गंदी बात, प्रभुदेवा ने स्पेशल अपरेंस इन सॉन्ग गंदी बात, रंजनी वाला तिवाड़ी ने स्पेशल अपरेंस इन टेड़ी कटेगी सॉन्ग और स्कारलेट मिलेस विल्सन ने स्पेशल अपरेंस सॉन्ग कटेली कोट में अपना मुख्य योगदान दिया है। प्रोडक्शन की बात करें तो फ्रांसिस सिन्हा ने फिल्म में कुछ एक्शन दृश्यों को प्रदर्शित किया है। चार्मी कौर ने जून 2013 में फिल्म के लिए एक आइटम गीत गंदी बात की शूटिंग की। कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी देवी ने आइटम सॉन्ग परसू कटेगा में बॉलीवुड के प्रवेश किया। इस फिल्म में केवल बॉलीवुड फिल्म ही शामिल थी जिसमें स्कारलेट मैरिसन विल्सन और इस समय केवल उनकी बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। फिल्म का नाम पहले रैम्बो राजकुमार था जो दक्षिण भारत की एक अनुभव स्टंट निदेशक का भी नाम है। रिपोर्टरों ने के अनुसार मूल रैम्बो श्रृंखला के निर्माताओं ने रैम्बो शब्द की कॉपीराइट कर दिया था जिससे यह अन्य फिल्म निर्माताओं द्वारा उपयोग के लिए अनुबद्ध हो गई। नतीजात्मक निर्माताओं ने फिल्म के लिए एक शीर्षक परिवर्तन का फैसला किया। हालांकि चूंकि दर्शकों के बीच फिल्म का शीर्षक पहले ही जा चुका था निर्माताओं ने शीर्षक में कुछ अक्षरों को हटाने का फैसला किया जिससे नाम में बदलकर आर राजकुमार कर दिया गया। फिल्म के शीर्षक परिवर्तन के बाद फिल्म में शाहिद कपूर का चरित्र जो शुरू में रैम्बो राजकुमार का था को बदल दिया गया था। अपने फिल्मांकन के दौरान कपूर एक स्टंट सीक्वेंस के दौरान गंभीर रूप से जलने से बच गए। गाने में सीक्वेंस को बच्चे के डेड रन में शूट किया गया। फिल्म की रिलीज और बाद की सफलता के बाद मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की अकादमी जो प्रसिद्ध अकादमी पुरस्कारों की देखरेख करती है के निर्माता विकी रंजनी को एक औपचारिक पत्र भेजकर ऑस्कर लाइब्रेरी में फिल्म की स्क्रिप्ट की एक प्रति रखने के लिए कहा गया। लगान योज रॉक ऑन और गुजारिश के बाद
अकादमी द्वारा इस सम्मान के लिए अनुरोध की जाने वाली यह 5वीं बॉलीवुड फिल्म है। अनुरोध के बारे में बात करते हुए विक्की रंजनी ने कहा, यह एक सौभाग्य की बात है कि हमारी फिल्म की पटकथा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है और अकादमी पुरस्कार में अपने लेखाकार का हिस्सा बनाकर हमारे लिए सम्मान की बात है। फिल्म के दर्शकों ने पसंद किया और अच्छा प्रदर्शन भी दिया है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही। यह पूरी तरह टीम के लिए एक खुशी का क्षण था। निर्देशक प्रभु देवा का अनुभव के बाद बात करते हुए कहा कि इस फिल्म को बनाना एक मजेदार अनुभव रहा है और यह सम्मान सबसे ऊपर है। मैं और क्या मांग सकता हूँ इस फिल्म से। फिल्म का साउंडट्रैक रिदम द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म संदीपास का पहला गाना 16 अक्टूबर को रिलीज हुआ था, जिसे मिक्खा सिंह और कल्पना पटवारी ने गाया था। जारी किया गया दूसरा गीत साड़ी के पॉल सा था, जिसे अंतरा मित्रा और आकाश यानी नकाश अजीज ने गाया था। अनुपम आमोद और मयूर पुरी के गीतों के साथ प्रीतम द्वारा रचित 6 ट्रैकों से युक्त संपूर्ण एल्बम 6 नवंबर 2013 को भौतिक रूप से जारी किया गया था। संगीत रिकॉर्डिंग इंजीनियर सुकुमार दत्ता थे। इस मूवी में मिक्खा सिंह, कल्पना पटवारी, अंतरा मित्रा, नकेश अजीज, अरिजीत सिंह, पलक माचाला, कुणाल गंजवाला, सुजीना चौहान, रितु पाठक, डीजे एंजल जैसे सिंगरों ने अपनी आवाज़ देकर इस मूवी के कई गानों को सुपर हिट बनाया है। मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्स की बात करें तो इंडिया टाइम्स ने इसे 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें स्पॉइलर के कुछ अवश्य हैं लेकिन असली चीज़ याद आती है, एक ठोस कहानी। डेली न्यूज एंड एनालिसिस के तुषार जोशी ने 5 में से 3 स्टार दिए हैं फिल्म के लिए और कहा, अगर आप एक जोरदार बिना दिमाग के मूड में हैं तो इसे देखें, जो शीर्षक मनोरंजन का फॉर्मूला पर निर्भर करता है। इंडियन एक्सप्रेस ने आर फॉर रविश कहते हुए फिल्म के आलोचनों और राजीव मसंत के फिल्म की आलोचना की, यह निरंतर बदसूरत और आश्चर्य होगा कि यह किसी प्रकार के मनोरंजन के रूप में कैसे योग्य है। प्रभु देवा की ओर से आर राजकुमार के लिए 5 में से 1/2 रेटिंग थी। आधा सितारे शक्ति से हैं। प्रीतम के संगीत के लिए हिंदुस्तान टाइम्स ने अनुपमा चोपड़ा ने इसे हसमुख उदाम रूप से प्रतिगामी कहा और यह भी दावा किया कि कहानी आपाद और थकाऊ दोनों है, क्योंकि जब नायक प्यार और प्यार नहीं कर रहा होता है तो वह मार मार और पुरुषों से लिप्त रहता है। भौतिकी के घर में नियम को लता बताते हुए सभी दिशाओं में उठ रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदेश ने लिखा, हाँ राजकुमार काम नहीं करते हैं। यह प्रभु देवा की अब तक की सबसे कमजोर हिंदी फिल्म में से एक है। गाइस, आप शाहिद कपूर की इस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हाँ, प्रभु देवा और सोनाक्षी सिन्हा की भी किस मूवी का एक्सप्रेशन आप हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है आर राजकुमार यानी रैम्बो राजकुमार। यह मूवी 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक प्रभु देवा हैं, लेखक चिराग अहमद हैं, वहीं संपादक बालू सलूजा हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.2 out of 10 है। 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। आर राजकुमार 2013 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है, जिसे प्रभु देवा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। विक्की रंजनी और सुनील लुल्ला द्वारा निर्मित फिल्म में साजिश कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद हैं। इस रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है। यह एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वह ड्रग बैरनर की भतीजी चंदा के लिए गिर जाता है। वह प्रतिद्वंदी ड्रग बैरनर शिवराज के लिए काम करना शुरू करता है और अंत में उसे पता चलता है कि शिवराज उसकी इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी कर
करना चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंद्रा को जीतने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसमें राजकुमार से चंद्रा को प्यार हो जाता है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रभुदेवा हैं, राइटर प्रभुदेवा हैं, स्क्रीन प्ले सुनील कुमार और अग्रवाल द्वारा और रवि एस सुंदरम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के डायलॉग सिराज अहमद द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर विक्की रंजनी और सुनील लल्ला द्वारा हैं। इस मूवी में साजिश कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद मेन कैरेक्टर के रूप में नजर आते हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी मोहन कृष्णा ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बल्लू सलूजा ने की है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम है तथा स्कोर बोर्ड के लिए संदीप जोठा को नियुक्त किया गया था। वहीं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी नेट जैन फिल्म है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट हीरोस इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 6 दिसंबर 2013 को रिलीज किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 34 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 2 करोड़ की कमाई करी। आर राजकुमार का नाट्य ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होने पर फिल्म के आलोचकों और दर्शकों ने मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता फिल्म बनी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग शो में राजकुमार को दिखाते हुए होती है, जो एक लक्षणहीन युवा लड़का है जो एक छोटे से शहर धरितपुर में आता है, जिसका नाम सिराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माणिक परमार नाम का दो ड्रग डीलर हैं, जो अजीत नागा नाम के माफिया डॉन द्वारा नियंत्रित हैं, जो हांगकांग में काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम शुरू करता है, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वह सुंदर शिक्षित चंदा पर तारी बजाता है। इसके बाद उसे अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसके उसके चाचा मणिक परमार द्वारा पाला जा रहा है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षण में पड़ जाती है। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला होता है, शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए देखा और उसके गिरे शरीर से लालसा करना लगता है। इस बीच वह परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज से करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज के आदमी को पिटाई करता है और उसे चुनौती देता है कि वह शिवराज के सामने चंदा से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन असफल होता रहता है। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाती है और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देती है। वह कहती है कि वह अपने कपड़े खुद उतारेगी अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से में शिवराज राजकुमार उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहा है, लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होता है जब उसे यह पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीत ठाका के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग कंट्रोलर को संभालने के लिए धरतपुरा भेजा गया था, जिसके लिए शिवराज और परमार दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और ढाका तक ले जाता है। शिवराज का चोरी का ट्रक ढाका को देने के बाद पता चलता है कि ट्रक खाली है। घटनाओं के एक मोड़ में यह पता चलता है कि शिवराज और ढाका ने हाथ मिला लिया और जानबूझकर खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों को भी उसके साथ दफना दिया। शिवराज चंद्रा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करता है, केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है, जिसे शिवराज के गुंडे कमर अली द्वारा दफनाए जाने पर बाद में बचा दिया जाता है। शिवराज के आदमी पीछे हट गए क्योंकि वह अब राजकुमार के दोस्त हैं, इसलिए दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पछाड़ देता है। अंत में राजकुमार शिवराज के गले में पावर पंच से मारता है और बाद में डॉन ढाका को सिरेमिक स्टाइल में मार देता है। मारने के बाद वह चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के श्रेष्ठ सहयोगियों की पिटाई के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि ये गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा
उसी से हाथ में हाथ डाले चले जाते हैं और यही इस मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की कास्टिंग की बात करें तो साहिद कपूर ने रेमी और राजकुमार का, साक्ष नाक्षी सिन्हा ने चंदा का, सोनू सूद ने शिवराज गुज्जर का, आशीष विदराता ने मणि परमार का, अशरानी ने पंडित का, मुकुल देव ने कमर अली का, श्री हरि ने अतीत टाका का, पूनम जवाहर ने बिंदु का, अशोक समर्थ ने इंस्पेक्टर का, जी वी सुंदरकर नायडू ने, विजय पाटकर ने चतुर सिंह का, चरम कुमार ने स्पेशल ऑफेंस इन गंदीबाद, प्रभुदेवा ने स्पेशल ऑफेंस इन सॉन्ग गंदीबाद, रंजनी वाला दिवाड़ी ने स्पेशल ऑफेंस इन केड़ी कटेगी सॉन्ग और स्कारलेट मिलेस विल्सन ने स्पेशल ऑफेंस सॉन्ग कटेली कोट में अपना मुख्य योगदान दिया है। इस मूवी की प्रोडक्शन की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म में कुछ एक्शन दृश्यों को प्रदर्शन किया है। चार्मी कौर ने जून 2013 में फिल्म के लिए एक आइटम गीत गंदी बात की शूटिंग की। कन्नड़ अभिनेत्री रांगनी देवी ने आइटम सॉन्ग और टू कटेगा में बॉलीवुड के प्रवेश किया। इस फिल्म में केवल बॉलीवुड फिल्म ही शामिल थी जिसमें स्कारलेट मैलिसन विल्सन और इस समय केवल उनकी बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। फिल्म का नाम पहले रैम्बो राजकुमार था जो दक्षिण भारत की एक अनुभव स्टंट निदेशक का भी नाम है। रिपोर्टरों ने इसके अनुसार मूल रैम्बो श्रृंखला के निर्माताओं ने रैम्बो शब्द की कॉपीराइट कर दिया था जिससे यह अन्य फिल्म निर्माताओं द्वारा उपयोग के लिए अनुबद्ध हो गई। नतीजात्मक निर्माताओं ने फिल्म के लिए एक शीर्षक परिवर्तन का फैसला किया। हालांकि चूंकि दर्शकों के बीच फिल्म का शीर्षक पहले ही जा चुका था, निर्माताओं ने शीर्षक में कुछ अक्षरों को हटाने का फैसला किया जिससे नाम में बदलकर आर राजकुमार कर दिया गया। फिल्म के शीर्षक परिवर्तन के बाद फिल्म में शाहिद कपूर का चरित्र जो शुरू में रैम्बो राजकुमार का था वो बदल दिया गया था। अपने फिल्मांकन के दौरान कपूर एक स्टंट सीक्वेंस के दौरान गंभीर रूप से जलने से बच गए। गाने में सीक्वेंस को कच्चे के ग्रेड रन में शूट किया गया। फिल्म की रिलीज और बाद की सफलता के बाद मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की अकादमी जो प्रसिद्ध अकादमी पुरस्कारों की देखरेख करती है के निर्माता विकी रंजनी को एक औपचारिक पत्र भेजकर ऑस्कर लाइब्रेरी में फिल्म की स्क्रिप्ट की एक प्रति रखने के लिए कहा गया। लगान जोश रॉक ऑन और गुजारिश के बाद अकादमी द्वारा इस सम्मान के लिए अनुरोध की जाने वाली यह पांचवी बॉलीवुड फिल्म है। अनुरोध के बारे में बात करते हुए विकी रंजनी ने कहा, यह एक सौभाग्य की बात है कि हमारी फिल्म की पटकथा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है और अकादमी पुरस्कार में अपने लेखाकार का हिस्सा बनाकर हमारे लिए सम्मान की बात है। फिल्म के दर्शकों ने पसंद किया और अच्छा प्रदर्शन भी दिया है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही। यह पूरी तरह टीम के लिए एक खुशी का क्षण था। निर्देशक प्रभु देवा का अनुरोध के बाद बात करते हुए कहा कि इस फिल्म को बनाना एक मजेदार अनुभव रहा है और यह सम्मान सबसे ऊपर है। मैं और क्या मांग सकता हूँ इस फिल्म से। फिल्म का साउंडट्रैक प्रीतम द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म गंदी बात का पहला गाना 16 अक्टूबर को रिलीज हुआ था जिसे मिक्खा सिंह और कल्पना पटवारी ने गाया था। जारी किया गया दूसरा गीत साड़ी के पॉल सा था जिसे अंतरा मित्रा और आकाश यानी नकाश अजीज ने गाया था। अनुपम आमोद और मयूर पुरी के गीतों के साथ प्रीतम द्वारा रचित 6 ट्रैकों से युक्त संपूर्ण एल्बम 6 नवंबर 2013 को भौतिक रूप से जारी किया गया था। संगीत रिकॉर्डिंग इंजीनियर सुकुमार दत्ता थे। इस मूवी में मिक्खा सिंह, कल्पना पटवारी, अंतरा मित्रा, नकेश अजीत, अजीत सिंह, पलक मचाला, कुणाल रंजवाला, सुवीना चौहान, ऋतु पाठक, डीजे एंजल जैसे सिंगरों ने अपनी आवाज़ देकर इस मूवी के कई गानों को सुपरहिट बनाया है। मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्स की बात करें तो इंडिया टाइम्स ने इसे 3 out of 5 रेटिंग दी है जिसमें पॉइंट बॉयलर के कुछ अवश्य हैं लेकिन असली चीज़ याद आती है एक ठोस कहानी। डेली न्यूज एंड एनालिसिस के तुषार जोशी ने 5 में से 3 स्टार दिए हैं।
फिल्म के लिए और कहा, अगर आप एक जोरदार बिना दिमाग के मूड में हैं तो इसे देखें जो शीर्षक मनोरंजन का फॉर्मूला पर निर्भर करता है। इंडियन एक्सप्रेस ने आर फॉर रविश कहते हुए फिल्म के आलोचनों और राजीव मसंत के फिल्म की आलोचना की, यह निरंतर बदसूरत और आश्चर्य होगा कि यह किसी प्रकार के मनोरंजन के रूप में कैसे योग्य है। प्रभु देवा की ओर से आर राजकुमार के लिए 5 में से आधे रेटिंग थी, आधा सितारे शक्ति से हैं। प्रीतम के संगीत के लिए हिंदुस्तान टाइम्स ने अनुप वर्मा चोपड़ा ने इसे हंसमुख काम रूप से प्रतिगामी कहा और यह भी दावा किया कि कहानी आबाद और थकाऊ दोनों है, क्योंकि जब नायक प्यार और प्यार नहीं कर रहा होता है तो वह मार मार और पुरुषों से लिप्त रहता है। भौतिकी के घर में नियम को लता बताते हुए सभी दिशाओं में उड़ रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदेश ने लिखा, आर राजकुमार काम नहीं करते हैं, यह प्रभु देवा की अब तक की सबसे कमजोर हिंदी फिल्म में से एक है। गाइस, आप शाहिद कपूर की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तथा प्रभु देवा और सोनाक्षी सिन्हा की भी किस मूवी का एक्सप्रेशन आप हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड कैसा हूँ, तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है आर राजकुमार यानी रैम्बो राजकुमार। यह मूवी 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक प्रभु देवा हैं, लेखक सिराज अहमद हैं, वहीं संपादक बालू सलूजा हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 है। वहीं 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। आर राजकुमार 2013 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है जिसे प्रभु देवा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। विक्की रंजनी और सुनील लुल्ला द्वारा निर्मित फिल्म में शादी कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद हैं। इस रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है। यह एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वह ड्रग बैरनर की भतीजी चंदा के लिए गिर जाता है। वह प्रतिद्वंदी ड्रग बैरना शिवराज के लिए काम करना शुरू करता है और अंत में उसे पता चलता है कि शिवराज उसकी इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करना चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं जिसमें राजकुमार से चंदा को प्यार हो जाता है। मूवी के डायरेक्टर प्रभु देवा हैं, राइटर प्रभु देवा हैं, स्क्रीन प्ले सुनील कुमार और अग्रवाल द्वारा और रवि एस सुंदरम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के डायलॉग सिराज अहमद द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर विक्की रंजनी और सुनील लुल्ला द्वारा हैं। इस मूवी में साजिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद मेन कैरेक्टर के रूप में नजर आते हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी मोहन कृष्णा ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बल्लू सलूजा ने की है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं तथा स्कोर बोर्ड के लिए संदीप चोटा को नियुक्त किया गया था। वहीं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी नेट जेंस फिल्म है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट इरोस इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 6 दिसंबर 2013 को रिलीज किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 34 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 2 करोड़ की कमाई करी। आर राजकुमार का नाट्य ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होने पर फिल्म के आलोचकों और दर्शकों ने मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता फिल्म बनी। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग रोमियो राजकुमार को दिखाते हुए होती है जो एक लक्ष्यहीन युवा लड़का है जो एक छोटे से शहर फरीदपुर में आता है जिसका नाम सिराज गुज्जर और उसके कट्टर दुश्मन माणिक परमार नाम का 2 ड्रग डीलर हैं जो अजीत नाका नाम के माफिया डॉन द्वारा नियंत्रित हैं जो हांगकॉन्ग में काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम शुरू करना शुरू करता है
लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वह सुंदर शिक्षित चंदा पर तारी बजाता है। इसके बाद उसे अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसके उसके चाचा मणि परमा द्वारा पाला जा रहा है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षण में पड़ जाती है। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला होता है शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए देखा और उसके कीड़े शरीर से लालसा करना लगता है। इस बीच वह परम पर के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज से करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज के आदमी को पिटाई करता है और उसे चुनौती देता है कि वह शिवराज के सामने चंदा से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफल होता रहता है। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाती है और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देती है। वह कहती है कि वह अपने कपड़े खुद उतारेगी अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से में शिवराज राजकुमार उसके फालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहा है लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होता है जब उसे यह पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में ड्रोन अजीत ठाकुर के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग कंट्रोलर को संभालने के लिए धर्मपुरा भेजा गया था जिसके लिए शिवराज और परमार दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और ढाका तक ले जाता है। शिवराज का चोरी का ट्रक ढाका को देने के बाद पता चलता है कि ट्रक खाली है। घटनाओं के एक मोड़ में यह पता चलता है कि शिवराज और ढाका ने हाथ मिला लिया और जानबूझकर खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों को भी उसके साथ दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करता है केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है जिसे शिवराज के गुंडे कमर अली द्वारा दफनाए जाने पर बाद में बचा दिया जाता है। शिवराज के आदमी पीछे हट गए क्योंकि वह अब राजकुमार के दोस्त हैं इसलिए दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पछाड़ देता है। अंत में राजकुमार शिवराज के गले में पावर पंच से मारता है और बाद में डॉन ढाका को सिरेमिक स्टाइल में मार देता है। मारने के बाद वह चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के श्रेष्ठ सहयोगियों की पिटाई के साथ समाप्त हो जाती है जबकि ये गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ में हाथ डाले चले जाते हैं और यही इस मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी कास्टिंग की बात करें तो शाहिद कपूर ने रेमी और राजकुमार का, साक्षी सिन्हा ने चंदा का, सोनम सूद ने शिवराज फ्यूचर का, आशीष विदराता ने मणि परमार का, अशरानी ने पंडित का, कुलदेव ने कमर अली का, श्री हरि ने अजीत ढाका का, पूनम जवाहर ने बिंदु का, अशोक समर्थ ने इंस्ट्रक्टर का, जी वी सुंदरकर नायडू ने, विजय पाटकर ने चतुर सिंह का, चरम कुमार ने स्पेशल ऑफेंस इन गंदी बात, प्रभुदेवन ने स्पेशल ऑफेंस इन सॉन्ग गंदी बात, रंजनी वाला टिवाड़ी ने स्पेशल ऑफेंस इन केड़ी कटेगी सॉन्ग और स्कारलेट मिलेस विल्सन ने स्पेशल ऑफेंस सॉन्ग कटेली कोट में अपना मुख्य योगदान दिया है। उनकी प्रोडक्शन की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म में कुछ एक्शन दृश्यों को प्रदर्शित किया है। चार्मी कौर ने जून 2013 में फिल्म के लिए एक आइटम गीत गंदी बात की शूटिंग की। कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी देवी ने आइटम सॉन्ग परदू कटेगा में बॉलीवुड के प्रवेश किया। इस फिल्म में केवल बॉलीवुड फिल्म ही शामिल थी जिसमें स्कारलेट मैडिसन विल्सन और इस समय केवल उनकी बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। फिल्म का नाम पहले रैम्बो राजकुमार था जो दक्षिण भारत की एक अनुभव स्टंट निदेशक का भी नाम है। रिपोर्टरों ने के अनुसार मूल रैम्बो श्रृंखला के निर्माताओं ने रैम्बो शब्द की कॉपीराइट कर दिया था जिससे यह अन्य फिल्म निर्माताओं द्वारा उपयोग के लिए अनुबद्ध हो गई। नतीजात्मक निर्माताओं ने फिल्म के लिए एक शीर्षक परिवर्तन का फैसला किया। हालांकि चूंकि दर्शकों के बीच फिल्म का शीर्षक पहले ही जा चुका था निर्माताओं ने शीर्षक में कुछ अक्षरों को हटाने का फैसला किया जिससे नाम में बदलकर आर राजकुमार कर दिया गया।
फिल्म के शीर्षक परिवर्तन के बाद फिल्म में शाहिद कपूर का चरित्र जो शुरू में रैम्बो राजकुमार का था को बदल दिया गया था। अपने फिल्मांकन के दौरान कपूर एक स्टंट सीक्वेंस के दौरान गंभीर रूप से जलने से बच गए। गाने में सीक्वेंस को पश्चिम के ग्रेट रन में शूट किया गया। फिल्म की रिलीज और बाद की सफलता के बाद मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की अकादमी जो प्रसिद्ध अकादमी पुरस्कारों की देखरेख कर दिया के निर्माता विकी रंजनी को एक औपचारिक पत्र भेजकर ऑस्कर लाइब्रेरी में फिल्म की स्क्रिप्ट की एक प्रति रखने के लिए कहा गया। लगान विरोध रॉक ऑन और पुजारी के बाद अकादमी द्वारा इस सम्मान के लिए अनुरोध की जाने वाली यह पांचवी बॉलीवुड फिल्म है। अनुरोध के बारे में बात करते हुए विकी रंजनी ने कहा, यह एक सौभाग्य की बात है कि हमारी फिल्म की पटकथा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है और अकादमी पुस्तकालय में अभिलेखक का हिस्सा बनाकर हमारे लिए सम्मान की बात है। फिल्म के दर्शकों ने पसंद किया और अच्छा प्रदर्शन भी दिया है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही। यह पूरी तरह टीम के लिए एक खुशी का क्षण था। निर्देशक प्रभु देवा का अनुरोध के बाद बात करते हुए कहा कि इस फिल्म को बनाना एक मजेदार अनुभव रहा है और यह सम्मान सबसे ऊपर है। मैं और क्या मांग सकता हूँ इस फिल्म से। फिल्म का साउंडट्रैक रीतम द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म बंदी बात का पहला गाना 16 अक्टूबर को रिलीज हुआ था, जिसे मिक्खा सिंह और कल्पना पटवारी ने गाया था। जारी किया गया दूसरा गीत साड़ी के पॉल था, जिसे अंतरा मित्रा और आकाश यानी नकाश अजीज ने गाया था। अनुपम आमोद और मयूर पुरी के गीतों के साथ प्रीतम द्वारा रचित 6 ट्रैकों से युक्त संपूर्ण एल्बम 6 नवंबर 2013 को भौतिक रूप से जारी किया गया था। संगीत रिकॉर्डिंग इंजीनियर सुकुमार दत्ता थे। इस मूवी में मिक्खा सिंह, कल्पना पटवारी, अंतरा मित्रा, नकेश अजीज, अरिजीत सिंह, पलक माचाला, कुणाल गंजवाला, सुसेना चौहान, ऋतु पाठक, डीजे एंजल जैसे सिंगरों ने अपनी आवाज़ देकर इस मूवी के कई गानों को सुपरहिट बनाया है। मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्स की बात करें तो इंडिया टाइम्स ने इसे 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें बॉयलर के कुछ अवश्य हैं लेकिन असली चीज़ याद आती है, एक ठोस कहानी। डेली न्यूज एंड एनालिसिस के तुषार जोशी ने 5 out of 3 stars दिए हैं फिल्म के लिए और कहा, अगर आप एक जोरदार बिना दिमाग के मूड में हैं तो इसे देखें, जो शीर्षक मनोरंजन का फॉर्मूला पर निर्भर करता है। इंडियन एक्सप्रेस ने आर फॉर रविश कहते हुए फिल्म के आलोचनों और राजीव वसंत के फिल्म की आलोचना की, यह निरंतर बदसूरत और आश्चर्य होगा कि यह किसी प्रकार के मनोरंजन के रूप में कैसे योग्य है। प्रभु देवा की ओर से आर राजकुमार के लिए 5 out of 5 रेटिंग थी, आधा सितारे शक्ति से हैं। प्रीतम के संगीत के लिए हिंदुस्तान टाइम्स ने अनुप शर्मा चोपड़ा ने इसे हंसमुख उदाम रूप से प्रतिगामी कहा और यह भी दावा किया कि कहानी आबाद और थकाऊ दोनों है, क्योंकि जब नायक प्यार और प्यार नहीं कर रहा होता है तो वह मार मार और पुरुषों से लिप्त रहता है। भौतिकी के घर में नियम को धका बताते हुए सभी दिशाओं में उड़ रहे हैं, बॉलीवुड हंगामा के तरण आदेश ने लिखा। आर राजकुमार काम नहीं करते हैं, यह प्रभु देवा की अब तक की सबसे कमजोर हिंदी फिल्म में से एक है। गाइस, आप शाहिद कपूर की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आप प्रभु देवा और सोनाक्षी सिन्हा की भी किस मूवी का एक्सप्रेशन आप हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो अनुभव, तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है आर राजकुमार यानी रैम्बो राजकुमार। यह मूवी 6 December 2013 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक प्रभु देवा हैं, लेखक सिराज अहमद हैं, वहीं संपादक बालू सलूजा हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.2 out of 10 है।
वहीं 73% लोकल यूजर्स द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। आर राजकुमार 2013 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है जिसे प्रभु देवा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। विक्की रंजनी और सुनील लुल्ला द्वारा निर्मित फिल्म में साजिद कपूर, शनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद हैं। इस रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है। यह एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वह ड्रग बैरनर की भतीजी चंदा के लिए गिर जाता है। वह प्रतिद्वंदी ड्रग बैरनर शिवराज के लिए काम करना शुरू करता है और अंत में उसे पता चलता है कि शिवराज उसकी इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करना चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं जिसमें राजकुमार से चंदा को प्यार हो जाता है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रभु देवा हैं, राइटर प्रभु देवा हैं, स्क्रीन प्ले सुनील कुमार और अग्रवाल द्वारा और रवि एस सुंदरम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के डायलॉग सिराज अहमद द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर विक्की रंजनी और सुनील लुल्ला द्वारा हैं। इस मूवी में साजिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद मेन कैरेक्टर के रूप में नजर आते हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी मोहन कृष्णा ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बल्लू सलूजा ने की है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं तथा स्कोर बोर्ड के लिए संदीप चौटाल को नियुक्त किया गया था। वहीं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी नेट जैन फिल्म है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट इरोस इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 6 दिसंबर 2013 को रिलीज किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 34 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 2 करोड़ की कमाई करी। आर राजकुमार का नाट्य ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को भी फिल्म रिलीज होने पर फिल्म के आलोचकों और दर्शकों ने मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता फिल्म बनी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग रोमियो राजकुमार को दिखाते हुए होती है जो एक लक्ष्यहीन युवा लड़का है जो एक छोटे से शहर सलितपुर में आता है जिसका नाम सिराज गुज्जर और उसके कट्टर दुश्मन माणिक परमार नाम का दो ड्रग डीलर हैं जो अजीत ढाका नाम के माफिया डॉन द्वारा नियंत्रित हैं जो हांगकॉन्ग में काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम शुरू करता है लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वह सुंदर शिक्षित चंदा पर तारी बजाता है। इसके बाद उसे अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसके उसके चाचा मणिक परमार द्वारा पाला जा रहा है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षण में पड़ जाती है। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला होता है शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए देखा और उसके गीले शरीर से लालसा करना लगता है। इस बीच वह परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज से करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज के आदमी को पिटाई करता है और उसे चुनौती देता है कि वह शिवराज के सामने चंदा से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफल होता रहता है। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाती है और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देती है। वह कहती है कि वह अपने कपड़े खुद उतारेगी अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से में शिवराज राजकुमार उसके फालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहा है लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होता है जब उसे यह पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में ड्रोन अजीत ठाका के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग कंट्रोलर को संभालने के लिए धर्मपुरा भेजा गया था जिसके लिए शिवराज और परमार दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और ढाका तक ले जाता है। शिवराज का चोरी का ट्रक ढाका को देने के बाद पता चलता है कि ट्रक खाली है। घटनाओं के एक मोड़ में यह पता चलता है कि शिवराज और ढाका ने हाथ मिला लिया और जानबूझकर खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बैरेमी से मार डाला और उसके आदमियों को भी उसके साथ दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करता है केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है।
जिसे शिवराज के गुंडे कमर अली द्वारा दफनाए जाने पर बाद में बचा दिया जाता है। शिवराज के आदमी पीछे हट गए क्योंकि वह अब राजकुमार के दोस्त हैं, इसलिए दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पछाड़ देता है। अंत में राजकुमार शिवराज के गले में पावर पंच से मारता है और बाद में डॉन ढाका को जेमिक स्टाइल में मार देता है। मारने के बाद वह चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के श्रेष्ठ सहयोगियों की पिटाई के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि ये गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ में हाथ डाले चले जाते हैं और यही इस मूवी का टी एंड हो जाता है। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो शाहिद कपूर ने रेमी और राजकुमार का, साक्षी सिन्हा ने चंदा का, सोनू सूद ने शिवराज गुर्जर का, आशीष विदराता ने मणि परमार का, अशरानी ने पंडित का, गुरुदेव ने कमर अली का, श्री हरि ने अजीत राका का, पूनम जवाहर ने बिंदु का, अशोक समर्थ ने इंस्पेक्टर का, जी वी सुंदरकर नायडू ने विजय पाटकर ने चतुर सिंह का, चरम कुमार ने स्पेशल ऑफेंस इन गंदी बात, प्रभुदेवन ने स्पेशल ऑफेंस इन सॉन्ग गंदी बात, रंजनी वाला रिवाड़ी ने स्पेशल ऑफेंस इन केड़ी कटेगी सॉन्ग और स्कारलेट मिलेस विल्सन ने स्पेशल ऑफेंस सॉन्ग कटेली कॉक में अपना मुख्य योगदान दिया है। प्रोडक्शन की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म में कुछ एक्शन दृश्यों को बदल किया है। जामी कौर ने जून 2013 में फिल्म के लिए एक आइटम गीत गंदी बात की शूटिंग की। कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी देवी ने आइटम सॉन्ग परदू कटेगा में बॉलीवुड के प्रवेश किया। इस फिल्म में केवल बॉलीवुड फिल्म ही शामिल थी जिसमें स्कारलेट मैलिसन विल्सन और इस समय केवल उनकी बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। फिल्म का नाम पहले रैम्बो राजकुमार था जो दक्षिण भारत की एक अनुभव चित्रण निदेशक का भी नाम है। रिपोर्टरों ने के अनुसार मूल रैम्बो श्रृंखला के निर्माताओं ने रैम्बो शब्द की कॉपीराइट कर दिया था जिससे यह अन्य फिल्म निर्माताओं द्वारा उपयोग के लिए अनुबद्ध हो गई। नतीजात्मक निर्माताओं ने फिल्म के लिए एक शीर्षक परिवर्तन का फैसला किया। हालांकि चूंकि दर्शकों के बीच फिल्म का शीर्षक पहले ही जा चुका था, निर्माताओं ने शीर्षक में कुछ अक्षरों को हटाने का फैसला किया जिससे नाम में बदलकर आर राजकुमार कर दिया गया। फिल्म के शीर्षक परिवर्तन के बाद फिल्म में शाहिद कपूर का चरित्र जो शुरू में रैम्बो राजकुमार का था वो बदल दिया गया था। अपने फिल्मांकन के दौरान कपूर एक स्टंट सीक्वेंस के दौरान गंभीर रूप से जलने से बच गए। गाने में सीक्वेंस को कच्चे के ग्रेट रन में शूट किया गया। फिल्म की रिलीज और बाद की सफलता के बाद मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की अकादमी जो प्रसिद्ध अकादमी पुरस्कारों की देखरेख करती है के निर्माता विकी रंजनी को एक औपचारिक पत्र भेजकर ऑस्कर लाइब्रेरी में फिल्म की स्क्रिप्ट की एक प्रति रखने के लिए कहा गया। लगान विरोध रॉक ऑन और गुजारिश के बाद अकादमी द्वारा इस सम्मान के लिए अनुरोध की जाने वाली यह पांचवी बॉलीवुड फिल्म है। अनुरोध के बारे में बात करते हुए विकी रंजनी ने कहा, यह एक सौभाग्य की बात है कि हमारी फिल्म की पटकथा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है और अकादमी पुस्तकालय में अभिलेखागार का हिस्सा बनाकर हमारे लिए सम्मान की बात है। फिल्म के दर्शकों ने पसंद किया और अच्छा प्रदर्शन भी दिया है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही। यह पूरी तरह टीम के लिए एक खुशी का क्षण था। निर्देशक प्रभु देवा का अनुरोध के बाद बात करते हुए कहा कि इस फिल्म को बनाना एक मजेदार अनुभव रहा है और यह सम्मान सबसे ऊपर है। मैं और क्या मांग सकता हूँ इस फिल्म से। फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म गंदी बात का पहला गाना 16 अक्टूबर को रिलीज हुआ था जिसे मिक्खा सिंह और कल्पना पटवारी ने गाया था। जारी किया गया दूसरा गीत साड़ी के पोलसा था जिसे अंतरा मित्रा और आकाश यानी नकाश अजीज ने गाया था। अनुपम आमोद और मयूर पुरी के गीतों के साथ प्रीतम द्वारा रचित 6 ट्रैकों से युक्त संपूर्ण एल्बम 6 नवम्बर 2013 को भौतिक रूप से जारी किया गया था। संगीत
रिकॉर्डिंग इंजीनियर सुकुमार दत्ता थे। इस मूवी में जिसका सिंह कल्पना पटवारी, आंद्रा मित्रा, राकेश अजीत, अरजीत सिंह, पलक माचाला, कुणाल गंजवाला, सुसेना चौहान, ऋतु पाठक, डीजे एंजल जैसे सिंगरों ने अपनी आवाज़ देकर इस मूवी के कई गानों को सुपरहिट बनाया है। मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्स की बात करें तो इंडिया टाइम्स ने इसे 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें स्पॉइलर के कुछ अवश्य हैं लेकिन असली चीज़ याद आती है, एक ठोस कहानी। डेली न्यूज एंड एनालिसिस के तुषार जोशी ने 5 में से 3 स्टार दिए हैं फिल्म के लिए और कहा, अगर आप एक जोरदार बिना दिमाग के मूड में हैं तो इसे देखें, जो शीर्षक मनोरंजन का फॉर्मूला पर निर्भर करता है। इंडियन एक्सप्रेस ने आर फॉर रविश कहते हुए फिल्म के आलोचनों और राजीव मसंत के फिल्म की आलोचना की, यह निरंतर बदसूरत और आश्चर्य होगा कि यह किसी प्रकार के मनोरंजन के रूप में कैसे योग्य है। प्रभु देवा की ओर से आर राजकुमार के लिए 5 में से आधे रेटिंग थी। आधा सितारे शक्ति से हैं प्रीतम के संगीत के लिए हिंदुस्तान टाइम्स ने, अनुप शर्मा चोपड़ा ने इसे हंसमुख उदाम रूप से प्रतिगामी कहा और यह भी दावा किया कि कहानी आबाद और थकाऊ दोनों हैं, क्योंकि जब नायक प्यार और प्यार नहीं कर रहा होता है तो वह मार मार और पुरुषों से लिप्त रहता है। भौतिकी के घर में नियम को धक्का बताते हुए सभी दिशाओं में उड़ रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदेश ने लिखा, आर राजकुमार काम नहीं करते हैं, यह प्रभु देवा की अब तक की सबसे कमजोर हिंदी फिल्म में से एक है। गाइस, आप शाहिद कपूर की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आप प्रभु देवा और सोनाक्षी सिन्हा की भी किस मूवी का एक्सप्रेशन आप हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, पता चला सुनिए, तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है आर राजकुमार यानी रैम्बो राजकुमार। यह मूवी 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक प्रभु देवा हैं, लेखक सिराज अहमद हैं, वहीं संपादक बालू सलूजा हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.2 out of 10 है। वहीं 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। आर राजकुमार 2013 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है, जिसे प्रभु देवा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। विक्की रंजनी और सुनील लुल्ला द्वारा निर्मित फिल्म में शादी कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद हैं। इस रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है। यह एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वह ड्रग बैरनर की भतीजी चंदा के लिए गिर जाता है। वह प्रतिद्वंदी ड्रग बैरनर शिवराज के लिए काम करना शुरू करता है और अंत में उसे पता चलता है कि शिवराज उसकी इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करना चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसमें राजकुमार से चंदा को प्यार हो जाता है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रभु देवा हैं, राइटर प्रभु देवा हैं, स्क्रीन प्ले सुनील कुमार और अग्रवाल द्वारा और रवि एस सुंदरम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के डायलॉग सिराज अहमद द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर विक्की रंजनी और सुनील लुल्ला द्वारा हैं। इस मूवी में साजिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद मेन कैरेक्टर के रूप में नजर आते हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी मोहन कृष्णा ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बल्लू सलूजा ने की है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं तथा स्कोर बोर्ड के लिए संदीप चोटा को नियुक्त किया गया था। वहीं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी नेट जेंस फिल्म है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट इरोस इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 6 दिसंबर 2013 को रिलीज किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 34 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 2 करोड़ की कमाई करी। आर राजकुमार का नाट्य ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होने पर फिल्म के आलोचकों और
दर्शकों ने मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता फिल्म बनी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग शो में राजकुमार को दिखाते हुए होती है, जो एक लक्षणहीन युवा लड़का है जो एक छोटे से शहर सरितपुर में आता है, जिसका नाम श्रीराव गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माणिक परमार नाम का दो ड्रग डीलर हैं, जो अजीत ढाका नाम के माफिया डॉन द्वारा नियंत्रित हैं, जो हांगकांग में काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम शुरू करता है, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वह सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। इसके बाद उसे अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसके उसके चाचा मणि परमार द्वारा पाला जा रहा है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षण में पड़ जाती है। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला होता है, शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए देखा और उसके गिरे शरीर से लालसा करना लगता है। इस बीच वह परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज से करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज के आदमी को पिटाई करता है और उसे चुनौती देता है कि वह शिवराज के सामने चंदा से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन असफल होता रहता है। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाती है और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देती है। वह कहती है कि वह अपने कपड़े खुद उतारेगी अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से में शिवराज राजकुमार उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहा है, लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होता है जब उसे यह पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में ड्रोन अजीत ठाका के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग कंट्रोलर को संभालने के लिए धर्मपुरा भेजा गया था, जिसके लिए शिवराज और परमार दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और ढाका तक ले जाता है। शिवराज का चोरी का ट्रक ढाका को देने के बाद पता चलता है कि ट्रक खाली है। घटनाओं के एक मोड़ में यह पता चलता है कि शिवराज और ढाका ने हाथ मिला लिया और जानबूझकर खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बैरेनी से मार डाला और उसके आदमियों को भी उसके साथ दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करता है, केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा पारित किया जाता है। इसे शिवराज के गुंडे कमर अली द्वारा दफनाए जाने पर बाद में बचा दिया जाता है। शिवराज के आदमी पीछे हट गए क्योंकि वह अब राजकुमार के दोस्त हैं, इसलिए दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पछाड़ देता है। अंत में राजकुमार शिवराज के गले में पावर पंच से मारता है और बाद में डॉन ढाका को सिरेमिक ताल में मार देता है। मारने के बाद वह चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के श्रेष्ठ सहयोगियों की पिटाई के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि ये गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ में हाथ डाले चले जाते हैं और यहीं इस मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की कास्टिंग की बात करें तो शाहिद कपूर ने रेमी और राजकुमार का, साक्षी सिन्हा ने चंदा का, सोनू सूद ने शिवराज गुर्जर का, आशीष विदराता ने मणि परमार का, अशरानी ने पंडित का, गुरुदेव ने कमर अली का, श्रीहरि ने अजीत ढाका का, पूनम जवाहर ने बिंदु का, अशोक समर्थ ने इंस्पेक्टर का, जी वी सुंदरकर नायडू ने, विजय पाटकर ने चतुर सिंह का, चरम कुमार ने स्पेशल ऑफरेंस इन द गंदी बात, प्रभुदेवा ने स्पेशल अपरेंस इन सॉन्ग गंदी बात, रंजनी वाला टिवाड़ी ने स्पेशल अपरेंस इन केड़ी कटेगी सॉन्ग और स्कारलेट मिलेस विल्सन ने स्पेशल अपरेंस सॉन्ग कटेली कोट में अपना मुख्य योगदान दिया है। प्रोडक्शन की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म में कुछ एक्शन दर्शकों को प्रदर्शन किया है। चार्मी कौर ने जून 2013 में फिल्म के लिए एक आइटम गीत गंदी बात की शूटिंग की। कन्नड़ अभिनेत्री रांगनी देवी ने आइटम सॉन्ग फर्टू कटेगा में बॉलीवुड के प्रवेश किया। इस फिल्म में केवल बॉलीवुड फिल्म
भी शामिल थी। इसमें स्कारलेट मैलिसन विल्सन और इस समय केवल उनकी बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। फिल्म का नाम पहले रैम्बो राजकुमार था, जो दक्षिण भारत की एक अनुभव स्टंट निर्देशक का भी नाम है। रिपोर्टरों ने के अनुसार मूल रैम्बो श्रृंखला के निर्माताओं ने रैम्बो शब्द की कॉपीराइट कर दिया था, जिससे यह अन्य फिल्म निर्माताओं द्वारा उपयोग के लिए अनुबद्ध हो गई। नतीजात्मक निर्माताओं ने फिल्म के लिए एक शीर्षक परिवर्तन का फैसला किया। हालांकि चूंकि दर्शकों के बीच फिल्म का शीर्षक पहले ही जा चुका था, निर्माताओं ने शीर्षक में कुछ अक्षरों को हटाने का फैसला किया, जिससे नाम में बदलकर आर राजकुमार कर दिया गया। फिल्म के शीर्षक परिवर्तन के बाद फिल्म में शाहिद कपूर का चरित्र, जो शुरू में रैम्बो राजकुमार का था, वो बदल दिया गया था। अपने फिल्मांकन के दौरान कपूर एक स्टंट सीक्वेंस के दौरान गंभीर रूप से जलने से बच गए। गाने में सीक्वेंस को कच्चे के ग्रेड रन में शूट किया गया। फिल्म की रिलीज और बार की सफलता के बाद मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की अकादमी, जो प्रसिद्ध अकादमी पुरस्कारों की देखरेख करती है, के निर्माता विकी रंजनी को एक औपचारिक पत्र भेजकर ऑस्कर लाइब्रेरी में फिल्म की स्क्रिप्ट की एक प्रति रखने के लिए कहा गया। लगान, हीरोज, रॉक ऑन और गुजारिश के बाद अकादमी द्वारा इस सम्मान के लिए अनुरोध की जाने वाली यह पांचवी बॉलीवुड फिल्म है। अनुरोध के बारे में बात करते हुए विकी रंजनी ने कहा, यह एक सौभाग्य की बात है कि हमारी फिल्म की पटकथा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है और अकादमी पुस्तकालय में अभिलेखागार का हिस्सा बनाकर हमारे लिए सम्मान की बात है। फिल्म के दर्शकों ने पसंद किया और अच्छा प्रदर्शन भी दिया है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही। यह पूरी तरह टीम के लिए एक खुशी का क्षण था। निर्देशक प्रभु देवा का अनुरोध के बाद बात करते हुए कहा कि इस फिल्म को बनाना एक मजेदार अनुभव रहा है और यह सम्मान सबसे ऊपर है। मैं और क्या मांग सकता हूँ इस फिल्म से। फिल्म का साउंडट्रैक रिदम द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म गंदी बात का पहला गाना 16 अक्टूबर को रिलीज हुआ था, जिसे मिक्खा सिंह और कल्पना पटवारी ने गाया था। जारी किया गया दूसरा गीत साड़ी के पॉल सा था, जिसे अंतरा मित्रा और आकाश यानी नकाश अजीज ने गाया था। अनुपम आमोद और मयूर पुरी के गीतों के साथ प्रीतम द्वारा रचित 6 ट्रैकों से युक्त संपूर्ण एल्बम 6 नवंबर 2013 को भौतिक रूप से जारी किया गया था। संगीत रिकॉर्डिंग इंजीनियर सुकुमार दत्ता थे। इस मूवी में मिक्खा सिंह, कल्पना पटवारी, अंतरा मित्रा, नकेश अजीज, अरिजीत सिंह, पलक माचाला, कुणाल गंजवाला, सुजीना चौहान, ऋतु पाठक, डीजे एंजल जैसे सिंगरों ने अपनी आवाज़ देकर इस मूवी के कई गानों को सुपर हिट बनाया है। इस मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्स की बात करें तो इंडिया टाइम्स ने इसे 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें स्पॉइलर के कुछ अवश्य हैं, लेकिन असली चीज़ याद आती है, एक ठोस कहानी। डेली न्यूज एंड एनालिसिस के तुषार जोशी ने 5 out of 3 स्टार दिए हैं फिल्म के लिए और कहा, अगर आप एक जोरदार बिना दिमाग के मूड में हैं तो इसे देखें, जो शीर्षक मनोरंजन का फॉर्मूला पर निर्भर करता है। इंडियन एक्सप्रेस ने आर फॉर रविश कहते हुए फिल्म के आलोचकों और राजीव मसंत के फिल्म की आलोचना की, यह निरंतर बदसूरत और आश्चर्य होगा कि यह किसी प्रकार के मनोरंजन के रूप में कैसे योग्य है। प्रभु देवा की ओर से आर राजकुमार के लिए 5 out of 5 रेटिंग थी। आधा सितारे सख्ती से हैं। प्रीतम के संगीत के लिए हिंदुस्तान साहिब ने अनुप वर्मा चोपड़ा ने इसे हंसमुख गुदाम रूप से प्रतिगामी कहा और यह भी दावा किया कि कहानी आबाद और थकाऊ दोनों हैं, क्योंकि जब नायक प्यार और प्यार नहीं कर रहा होता है तो वह मार मार और पुरुषों से लिप्त रहता है। भौतिकी के घर में नियम को लता बताते हुए सभी दिशाओं में उठ रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदेश ने लिखा, हाँ राजकुमार काम नहीं करते हैं। यह प्रभु देवा की अब तक की सबसे कमजोर हिंदी फिल्म में से एक है।
गाइस आप शाहिद कपूर की इस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आप प्रभु देवा और सोनाक्षी सिन्हा की भी किस मूवी का एक्सप्रेशन आप हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है आर राजकुमार यानी रैम्बो राजकुमार। यह मूवी 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक प्रभुदेवा हैं, लेखक सिराज अहमद हैं, वहीं संपादक बालू सलूजा हैं। आईएमडी रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 है। 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। आर राजकुमार 2013 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है जिसे प्रभु देवा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। विक्की रंजनी और सुनील लुल्ला द्वारा निर्मित फिल्म में साजिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद हैं। इस रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है। यह एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वह ड्रग बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाता है। वह प्रतिद्वंदी ड्रग बैरना शिवराज के लिए काम करना शुरू करता है और अंत में उसे पता चलता है कि शिवराज उसकी इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करना चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं जिसमें राजकुमार से चंदा को प्यार हो जाता है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रभुदेवा हैं, राइटर प्रभुदेवा हैं, स्क्रीन प्ले सुनील कुमार और अग्रवाल द्वारा और रवि एस सुंदरम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के डायलॉग सिराज अहमद द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर विक्की रंजनी और सुनील लुल्ला द्वारा हैं। इस मूवी में साजिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद मेन कैरेक्टर के रूप में नजर आते हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी मोहन कृष्णा ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बल्लू सलूजा ने की है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम है तथा स्कोर बोर्ड के लिए संदीप चोटाल को नियुक्त किया गया था। वहीं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी नेट जेम्स फिल्म है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट इरोस इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 6 दिसंबर 2013 को रिलीज किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 34 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 2 करोड़ की कमाई करी। आर राजकुमार का नाट्य ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होने पर फिल्म के आलोचकों और दर्शकों ने मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता फिल्म बनी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग रोमियो राजकुमार को दिखाते हुए होती है जो एक लक्ष्यहीन युवा लड़का है जो एक छोटे से शहर फरीदपुर में आता है जिसका नाम सिराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माणिक परमार नाम का दो ड्रग डीलर हैं जो अजीत ढाका नाम के माफिया डॉन द्वारा नियंत्रित हैं जो हांगकांग में काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम शुरू करता है लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वह सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। इसके बाद उसे अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसके एक चाचा मणि परमार द्वारा पाला जा रहा है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षण में पड़ जाती है। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला होता है शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए देखा और उसके गिरे शरीर से लालसा करना लगता है। इस बीच वह परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज से करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज के आदमी को पिटाई करता है और उसे चुनौती देता है कि वह शिवराज के सामने चंदा से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफल होता रहता है। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाती है और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देती है। वह कहती है कि वह अपने कपड़े खुद उतारेगी अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से में शिवराज राजकुमार उसके पालतू पुलिस अधिकारियों द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहा है
लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होता है जब उसे यह पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीत ठाकुर के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग कंट्रोलर को संभालने के लिए धर्मपुरा भेजा गया था, जिसके लिए शिवराज और परम कुमार दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और ढाका तक ले जाता है। शिवराज का चोरी का ट्रक ढाका को देने के बाद पता चलता है कि ट्रक खाली है। घटनाओं के एक मोड़ में यह पता चलता है कि शिवराज और ढाका ने हाथ मिला लिया और जानबूझकर खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बैरिंग से मार डाला और उसके आदमियों को भी उसके साथ दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करता है। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। इसे शिवराज के गुंडे कमर अली द्वारा दफनाए जाने पर बाद में बचा दिया जाता है। शिवराज के आदमी पीछे हट गए क्योंकि वह अब राजकुमार के दोस्त हैं, इसलिए दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पछाड़ देता है। अंत में राजकुमार शिवराज के गले में पावर पंच से मारता है और बाद में डॉन ढाका को सिरेमिक स्टाइल में मार देता है। मारने के बाद वह चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के श्रेष्ठ सहयोगियों की पिटाई के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि ये गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ में हाथ डाले चले जाते हैं और यहीं इस मूवी का डी एंड हो जाता है। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो शाहिद कपूर ने रेमी और राजकुमार का, साक्षी सिन्हा ने चंदा का, सोनू सूद ने शिवराज फ्यूचर का, आशीष विजयराता ने मनी परमार का, अशरानी ने पंडित का, मुकुल देव ने कमर अली का, श्री हरि ने अतीत ढाका का, पूनम जवाहर ने बिंदु का, अशोक समर्थ ने इंस्ट्रक्टर का, जी वी सुंदरकर नायडू ने, विजय पाटकर ने चतुर सिंह का, चरम कुमार ने स्पेशल ऑफेंस इन गंदी बात, प्रभुदेवा ने स्पेशल ऑफेंस इन सॉन्ग गंदी बात, रंजनी वाला तिवारी ने स्पेशल ऑफेंस इन केड़ी कटेगी सॉन्ग और स्कारलेट मिलेस विल्सन ने स्पेशल ऑफेंस सॉन्ग कटेली कोट में अपना मुख्य योगदान दिया है। प्रोडक्शन की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म में कुछ एक्शन दृश्यों को प्रदर्शन किया है। चार्मी कौर ने जून 2013 में फिल्म के लिए एक आइटम गीत गंदी बात की शूटिंग की। कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी देवी ने आइटम सॉन्ग परदू कटेगा में बॉलीवुड के प्रवेश किया। इस फिल्म में केवल बॉलीवुड फिल्म ही शामिल थी जिसमें स्कारलेट मैलिसन विल्सन और इस समय केवल उनकी बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। फिल्म का नाम पहले रैम्बो राजकुमार था जो दक्षिण भारत की एक अनुभव स्टंट निदेशक का भी नाम है। रिपोर्टरों ने के अनुसार मूल रैम्बो श्रृंखला के निर्माताओं ने रैम्बो शब्द की कॉपीराइट कर दिया था जिससे यह अन्य फिल्म निर्माताओं द्वारा उपयोग के लिए अनुबद्ध हो गई। नतीजात्मक निर्माताओं ने फिल्म के लिए एक शीर्षक परिवर्तन का फैसला किया। हालांकि चूंकि दर्शकों के बीच फिल्म का शीर्षक पहले ही जा चुका था, निर्माताओं ने शीर्षक में कुछ अक्षरों को हटाने का फैसला किया, इससे नाम में बदलकर आर राजकुमार कर दिया गया। फिल्म के शीर्षक परिवर्तन के बाद फिल्म में शाहिद कपूर का चरित्र जो शुरू में रैम्बो राजकुमार का था को बदल दिया गया था। अपने फिल्मांकन के दौरान कपूर एक स्टंट सीक्वेंस के दौरान गंभीर रूप से जलने से बच गए। गाने में सीक्वेंस को कच्चे के गेट रन में शूट किया गया। फिल्म की रिलीज और बाद की सफलता के बाद मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की अकादमी जो प्रसिद्ध अकादमी पुरस्कारों की देखरेख करती है के निर्माता विकी रंजनी को एक औपचारिक पत्र भेजकर ऑस्कर लाइब्रेरी में फिल्म की स्क्रिप्ट की एक प्रति रखने के लिए कहा गया। लगान योज रॉक ऑन और गुजारिश के बाद अकादमी द्वारा इस सम्मान के लिए अनुरोध की जाने वाली यह पांचवी बॉलीवुड फिल्म है। अनुरोध के बारे में बात करते हुए विकी रंजनी ने कहा, यह एक सौभाग्य की बात है कि हमारी फिल्म की प्रखता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है और अकादमी पुस्तकालय में अभिलेखाकर का हिस्सा बनाकर हमारे
लिए सम्मान की बात है। फिल्म के दर्शकों ने पसंद किया और अच्छा प्रदर्शन भी दिया है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही। यह पूरी तरह टीम के लिए एक खुशी का क्षण था। निर्देशक प्रभु देवा का अनुरोध के बाद बात करते हुए कहा कि इस फिल्म को बनाना एक मजेदार अनुभव रहा है और यह सम्मान सबसे ऊपर है। मैं और क्या मांग सकता हूँ इस फिल्म से। फिल्म का साउंडट्रैक प्रीतम द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म गंदी बात का पहला गाना 16 अक्टूबर को रिलीज हुआ था, जिसे मिक्खा सिंह और कल्पना पटवारी ने गाया था। जारी किया गया दूसरा गीत साड़ी के पॉल सा था, जिसे अंतरा मित्रा और आकाश यानी नकाश अजीज ने गाया था। अनुपम आमोद और मयूर पुरी के गीतों के साथ प्रीतम द्वारा रचित 6 ट्रैकों से युक्त संपूर्ण एल्बम 6 नवंबर 2013 को भौतिक रूप से जारी किया गया था। संगीत रिकॉर्डिंग इंजीनियर सुकुमार दत्ता थे। इस मूवी में मिक्खा सिंह, कल्पना पटवारी, अंतरा मित्रा, नकेश अजीज, अजीत सिंह, पलक मचाला, कुणाल गंजवाला, सुजीना चौहान, रितु पाठक, डीजे एंजल जैसे सिंगरों ने अपनी आवाज़ देकर इस मूवी के कई गानों को सुपर हिट बनाया है। मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्स की बात करें तो इंडिया टाइम्स ने इसे 3 out of 5 रेटिंग दी है, जिसमें पॉइंट बॉयलर के कुछ अवश्य हैं, लेकिन असली चीज़ याद आती है, एक ठोस कहानी। डेली न्यूज एंड एनालिसिस के तुषार जोशी ने 5 में से 3 स्टार दिए हैं फिल्म के लिए और कहा, अगर आप एक जोरदार बिना दिमाग के मूड में हैं तो इसे देखें, जो शीर्षक मनोरंजन का फॉर्मूला पर निर्भर करता है। इंडियन एक्सप्रेस ने आर फॉर रविश कहते हुए फिल्म के आलोचनों और राजीव मसंत के फिल्म की आलोचना की, यह निरंतर बदसूरत और आश्चर्य होगा कि यह किसी प्रकार के मनोरंजन के रूप में कैसे योग्य है। प्रभु देवा की ओर से आर राजकुमार के लिए 5 में से 1/2 रेटिंग थी। आधा सितारे शक्ति से हैं। प्रीतम के संगीत के लिए हिंदुस्तान टाइम्स ने अनुप शर्मा चोपड़ा ने इसे हंसमुख उदाम रूप से प्रतिगामी कहा और यह भी दावा किया कि कहानी आबाद और थकाऊ दोनों हैं, क्योंकि जब नायक प्यार और प्यार नहीं कर रहा होता है तो वह मार मार और पुरुषों से लिप्त रहता है। भौतिकी के घर में नियम को लता बताते हुए सभी दिशाओं में उठ रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदेश ने लिखा, हाँ राजकुमार काम नहीं करते हैं। यह प्रभु देवा की अब तक की सबसे कमजोर हिंदी फिल्म में से एक है। गाइस, आप शाहिद कपूर की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आप प्रभु देवा और सोनाक्षी सिन्हा की भी किस मूवी का एक्सप्रेशन आप हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है आर राजकुमार यानी रैम्बो राजकुमार। यह मूवी 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक प्रभु देवा हैं, लेखक सिराज अहमद हैं, वहीं संपादक बालू सलूजा हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.2 out of 10 है। 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। आर राजकुमार 2013 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है, जिसे प्रभु देवा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। विक्की रंजनी और सुनील लुल्ला द्वारा निर्मित फिल्म में साजिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद हैं। इस रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है। यह एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वह ड्रग बैरनर की भतीजी चंदा के लिए गिर जाता है। वह प्रतिद्वंदी ड्रग बैरना शिवराज के लिए काम करना शुरू करता है और अंत में उसे पता चलता है कि शिवराज उसकी इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करना चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसमें राजकुमार से चंदा को प्यार हो जाता है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रभु देवा हैं, राइटर प्रभु देवा हैं, स्क्रीन प्ले सुनील कुमार और अग्रवाल द्वारा और रवि एस सुंदरम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के डायलॉग सिराज अहमद द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर
विक्की रंजनी और सुनील लल्ला द्वारा है। इस मूवी में साजिद कपूर, सोना कृष्णा और सोनू सूद मेन कैरेक्टर के रूप में नजर आते हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी मोहन कृष्णा ने की है, वहीं इस मूवी को एडिट बल्लू सलूजा ने की है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम है तथा स्कोरबोर्ड के लिए संदीप जोठा को नियुक्त किया गया था। वहीं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी नेट जैन फिल्म है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट इरोस इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 6 दिसंबर 2013 को रिलीज किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 34 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 9 करोड़ की कमाई करी। आर राजकुमार का नाट्य ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को भी फिल्म रिलीज होने पर फिल्म के आलोचकों और दर्शकों ने मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता फिल्म बनी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग शो में राजकुमार को दिखाते हुए होती है, जो एक लक्षणहीन युवा लड़का है जो एक छोटे से शहर सरितपुर में आता है, जिसका नाम सिराज गुज्जर और उसके कट्टर दुश्मन माणिक परमार नाम का दो ड्रग डीलर हैं, जो अजीत ढाका नाम के माफिया डॉन द्वारा नियंत्रित हैं, जो हांगकांग में काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम शुरू करता है, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वह सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। इसके बाद उसे अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसके उसके चाचा मणि परमार द्वारा पाला जा रहा है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षण में पड़ जाती है। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला होता है, शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए देखा और उसके गीले शरीर से लालसा करना लगता है। इस बीच वह परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज से करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज के आदमी को पिटाई करता है और उसे चुनौती देता है कि वह शिवराज के सामने चंदा से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन असफल होता रहता है। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाती है और राजकुमार